ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस यस मैम। अच्छा देखो, VRS हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हम लोग डिप्रिशिएशन स्टार्ट करेंगे। VRS का शायद एक क्वेश्चन बाकी है, वो वाला करवाना पड़ेगा, ठीक है, करवा देंगे। वो नॉर्मली जो है, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया वैसा ही है, न्यू बुक में वो न्यू स्टडी मैट में एडिशन हुआ है, ठीक है, तो वो कर लेंगे। फिर डिप्रिशिएशन ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखो डेप्रिसिएशन, पहले हम लोग थोड़ा डेप्रिसिएशन के बारे में पता कर लेते हैं कि क्या है, क्यों चार्ज किया जाता है। वैसे तो तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है, 11 में ना 12 में तो होता है, 11 में होता है हाँ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन देखो क्या है, डेप्रिसिएशन बेसिकली एक्सपेंस है, ठीक है, क्योंकि इसको कहाँ दिखाते हैं, पीएल पे दिखाते हैं। लेकिन ये कैसा एक्सपेंस है, ये है नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि देखो अगर हम लोग किसी स्टाफ को काम में रखते हैं तो उसको सैलरी देते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो भी कैश का आउटफ्लो होता है। अच्छा, अगर हम लोग का मान लो रेंट देते हैं तो भी कैश का आउटफ्लो होता है। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या हम लोग किसी को पे करते हैं, कोई पर्सन है जिसको डेप्रिसिएशन देना पड़ता है, नहीं, ठीक है। बाकी क्या होता है, किसी ना किसी को हम लोग खर्चा पे करते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन इसीलिए नॉन कैश है क्योंकि इसका पेमेंट हमें किसी को नहीं करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन है ये एक्सपेंस, ठीक है, लेकिन ये इसको इसीलिए ना बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसको हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। जब कभी कॉस्टिंग पढ़ोगे तो वहां पर ये सब टर्म आता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब जो खर्चा तो है लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं करवाता है, ठीक है, खर्चा है लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं करवाता है। अब फिर कैसे पता चलेगा कि ये खर्चा है, देखो जैसे ये जो लैपटॉप में हम क्लास ले रहे हैं, ये जो मेरा लैपटॉप है, ठीक है, एसुस का है, ठीक है, तो ये मेरा 60,000 का है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको मान लो ये मैंने लिया था 2019 में, शायद जितना याद आ रहा है, जो भी हो, तो 2019 में अगर मुझे इसको अभी बेचना है, क्या मुझे 60,000 ही मिलेगा, नहीं, ठीक है। तो अब मान लो ये 2024 है, अब बेचने के लिए ना अभी आजकल बहुत सारा साइट भी है, वहां पर जाके अपने लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स को डालने से ना वो लोग बता देता है कि मार्केट में इसका मुझे कितना मिलेगा, ठीक है। अब मान लो इसका मुझे दिख रहा है कि 5,000 मिलेगा, ठीक है, 5,000 मिलेगा, तो ये मुझे क्या मिलेगा सेल करने से, अगर आज हम सेल कर रहे हैं मुझे 5,000 मिलेगा, तो फिर 55,000 कहाँ चला गया, ठीक है। ये जो गैप क्रिएट हुआ ये क्या हुआ, 55,000 इतने का मैंने क्या कर लिया इसको, हाँ, इसको यूज कर लिया, यानी ये क्या हो गया, इतने से डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, ये इतने से डेप्रिसिएशन हो गया। मतलब ये खर्चा हम लोग सोच रहे हैं ना, मेरे पॉकेट से कैश तो नहीं गया, लेकिन ये पता कब चलेगा, जब हम अपने चीज को बेचने जाएंगे तब मुझे पता चलेगा मुझे 60 का 60 नहीं मिला, मुझे कितना मिला, 5,000 सपोज, ये भी एस्टिमेटेड है। अब दिखा रहा है तो मान लो मिल ही जाएगा, ठीक है, जो भी कंपनी बेचेगा वो अपना प्राइस दिखाता है, सॉरी खरीदेगा वो अपना प्राइस दिखाता है। तो ये 55,000 का मेरा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन, या फिर यूजेबल वैल्यू, डेप्रिसिएबल वैल्यू बोल सकते हो इसको, ठीक है, इसको ना हम लोग बोलते हैं टोटल डेप्रिसिएबल वैल्यू, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का टोटल, ठीक है, टोटल डेप्रिसिएबल वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल डेप्रिसिएबल वैल्यू। अच्छा, और अगर पूछा जाए कि फिर पर ईयर मैंने कितने रुपए का लैपटॉप यूज किया, तो 19 से 24 कितना होता है, मान लो 19 के स्टार्टिंग में ही खरीदा था सपोज, तो 19 पूरा 20 21 22 23 24, ठीक है, 6 इयर्स में, 6 इयर्स में कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 55,000। तो पर ईयर कितना होगा चेक करते हैं, देखो चेक करो कितना हुआ, कुछ इतना आ रहा है, ठीक है, 9,166.67। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि, क्योंकि देखो क्या हम लोग डेप्रिसिएशन को एक बार में चार्ज करते हैं, नहीं, जब भी तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो,
तो मुझे भी तो ये पूरा डिप्रिसिएशन थोड़ी ना एक बार में पीएल में चार्ज करना है, मुझे क्या करना है पर ईयर चार्ज करना है, तो मेरा पर ईयर का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा ये वाला, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड मैंने बोला है इसमें देखो पर ईयर इक्वल डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, मतलब हर साल इतना 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 करके चार्ज होगा, ये भी एक मेथड होता है। इसके अलावा भी डिप्रिसिएशन को चार्ज करने का अलग अलग मेथड होता है, ठीक है, जिसमें से ये देखो एक नॉर्मल हमें समझ में आया कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। अब देखो डिप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम क्यों होता है, इसका रीजन क्या है कि एसेट का वैल्यू कम हो गया यूज के लिए, ठीक है। तो एसेट का वैल्यू देखो क्या क्या रीजन है डिप्रिसिएशन का। गुड मॉर्निंग, अच्छा देखो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का एक छोटा सा अगर डेफिनेशन बोले तो वो क्या हो गया कि मेरा फिक्स्ड एसेट जो वैल्यू में कम होते जाता है वही मेरा डेप्रिसिएशन होता है। अब डेप्रिसिएशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टीयर, ठीक है। नॉर्मल वेयर एंड टीयर मतलब नॉर्मली यूज कर, अब ये लैपटॉप से रोज क्लास लेते हैं, यूज करते हैं, कभी कभी मूवी वगैरह भी देख लेते हैं, तो इसका यूज होता है, तो फिर ये क्या होगा, इसका डेप्रिसिएशन तो होगा, ठीक है। ये नॉर्मल वेयर एंड टीयर का मतलब होता है डे टू डे के यूज के लिए जब वैल्यू कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखो पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। पासेज ऑफ टाइम का मतलब क्या है, अगर हम यूज ना भी करते ना, मैंने मान लो 2019 में ये लैपटॉप खरीदा था, लेकिन जैसे मेरे पास डिलीवरी हुआ था एज इट इज मैंने उठा के रख दिया, ठीक है। आप अगर हम 2024 में से सेल करने जाएंगे तो भी क्या मुझे 60,000 ही मिलेगा, मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया फिर भी क्या मुझे 60,000 मिलेगा, नहीं, फिर भी मुझे क्या किया जाएगा, कम वैल्यू ही दिया जाएगा। अब हो सकता है कुछ भी यूज नहीं किया तो 5,000 की जगह 7,000 दे दे, 8,000 दे दे, अब तो वो तो डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ भी चीजों का क्या हो जाता है, डिप्रिसिएशन हो जाता है, चाहे हम लोग उसे यूज करें या यूज ना करें, ठीक है। एक बार जो हम लोगों ने खरीद लिया, हमारे पास एसेट एक्वायर हो गया, तो उसके बाद वो डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो ये हो गया पासेज ऑफ टाइम, ठीक है, ये एक रीजन हो गया। गुड मॉर्निंग मानसी, फिर देखो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, देखो अब क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी चेंज होते जाता है, जैसे स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक स्टेज में तो काफी ज्यादा होता है, लैपटॉप वगैरह में अभी ये चल रहा है विंडोज इतना चल रहा है, फिर विंडोज कुछ और आ जाएगा, और भी बहुत सारे चीजों का ही टेक्निकल चेंजेस होते जाता है। तो अगर टेक्नोलॉजिकली चेंजेस होगा तो वो चीज भी डेप्रिशिएट हो जाएगा। मान लो आज ही मैंने एक नया लैपटॉप लिया, कल कोई नया फीचर्स आ गया, ठीक है, तो सेम लैपटॉप मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका वैल्यू, है ना। मेरे पास एक प्रोडक्शन करने का मशीन था जो 10,000 पर यूनिट देता था, सेम प्राइस में भी नया मशीन आ गया 15,000 पर यूनिट, तो मेरे मशीन कितना भी नया क्यों ना हो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून सुमित, गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा ये हो गया चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, और एक रीजन लिख लो, एक होता है डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, ठीक है, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट में वैल्यू किसी भी रीजन से कम हो गया, हो सकता है कोई भी रीजन, ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू ही किसी प्रोडक्ट का कम हो जाता है, चाहे वो मैंने कल ही क्यों ना खरीदा हो, वन मंथ पहले क्यों ना खरीदा हो, वो भी क्या हो जाएगा, डिप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। वैसे यूज करते करते होता है, ठीक है, और क्या क्या हो गया, यूज करो या ना करो, टाइम जाते जाते भी चीज अगर पुराना होता है, चाहे यूज करे ना करे, डिप्रिशिएट होगा, मतलब वैल्यू गिरना। डिप्रिशिएट का मतलब क्या, जो वैल्यू था उससे वैल्यू कम हो जाना, टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण वैल्यू चेंज हो जाना, मार्केट में अगर प्रोडक्ट का वैल्यू बाई चांस अप एंड डाउन हुआ है जो भी रीजन से, ठीक है, तो भी हमारा डिप्रिशिएशन एसेट पे लग सकता है। फिर ये तो हो गया क्यों डिप्रिशिएशन लगता है, अब ये पता करेंगे कि डिप्रिशिएशन चार्ज क्यों करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार दो चार पॉइंट इस पे भी लिखते हैं, रीजन फॉर चार्जिंग डिप्रिशिएशन। अच्छा पहला रीजन है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब वही जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ये सब हम लोग बनाते हैं,
अगर इसका मुझे सही सही इवैल्यूएशन करना है, मुझे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सही दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। अगर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करते तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो जो रूल्स है, क्योंकि देखो हर एक चीज का एक रूल्स भी होता है, ये तो हमें पता ही है। देखो कोई भी चीज का वैल्यू कभी एज इट इज नहीं रहता है, ह्यूमन बींग का भी तो वैल्यू क्या होता है, धीरे धीरे इंसान जब बूढ़ा होता है उसका वैल्यू क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसके स्ट्रेंथ जो है ऑटोमेटिकली कम होते जाते, तो ये तो एसेट है, छोड़ो। तो वही बोल रहा है कि अगर मुझे ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है फाइनेंशियल पोजीशन का, ये जरूरी भी है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है ना, जो फिक्स्ड एसेट मतलब पीपीई, अभी तो फिक्स्ड एसेट नहीं बोला जाता है, फिक्स्ड एसेट का नाम हो गया पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो एएस 10 बोल रहा है कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा गया है तो उसका पूरा वैल्यू तो हम लोग एक ही फाइनेंशियल ईयर में चार्ज नहीं कर सकते। मान लो मशीन करोड़ों का आता है, ठीक है, तो क्या 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ हम लोग चार्ज कर देंगे? नहीं, उसका क्या करना पड़ता है, जितना दिन उसे यूज करेंगे उस हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गलत दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? नेट प्रॉफिट क्या दिखेगा? ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वो एक्सपेंस था। और दूसरा, इधर जो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू, मान लो मैंने 1 लाख का एसेट खरीदा था, वो 1 लाख ही शो होते जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि आज अगर किसी चीज का वैल्यू 1 लाख है तो 10 साल बाद भी वो 1 लाख ही रहेगा। तो मेरा, मुझे अगर ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए मेरे फाइनेंशियल पोजिशन का, तो मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए अलग अलग मेथड होगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे टू एक्यूमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, ठीक है। ये क्या है, देखो डेप्रिसिएशन का ना ऐसा कुछ मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखो जैसे मुझे ये वाला लैपटॉप रिप्लेस करना है। देखो मैंने कब खरीदा था, 2019 में। अब हम सोच रहे हैं नया लैपटॉप खरीदेंगे। अगर मुझे पता होता कि अगर मैंने सही सही अकाउंटिंग किया होता और मुझे पता होता कि हर साल हम 9166.67 रुपीस का लैपटॉप यूज करते हैं, तो हम अपने इनकम या प्रॉफिट से ये अमाउंट सेट असाइड कर सकते थे, ठीक है। मतलब मान लो एक जगह पे हम ये पैसा हर साल क्या कर सकते थे, जमा कर सकते थे, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम ये वाला लैपटॉप फिर से खरीदने जाएंगे, ठीक है, मतलब लैपटॉप अगर मुझे फिर से चाहिए, अब यही ब्रांड हो या कुछ और भी हो, ठीक है, तो जब हम खरीदने जाते तो मेरे पास एक सपोर्ट होता, ठीक है, मेरे पास सपोर्ट होता ना पैसे का, कि मेरे पास इतना पैसा पहले से ही है। नहीं तो मुझे अचानक से मेरे बिजनेस से उतना पैसा ड्रॉ करना पड़ेगा जितने पैसे का मुझे वो एसेट को खरीदना है, ठीक है। तो अगर अब देखो मुझे कितना पैसा जमा करना चाहिए, ठीक है, मुझे समझ में आता है कि अगर अभी से जमा करेंगे, जब रिप्लेस करेंगे तो मेरे लिए क्या होगा, हेल्पफुल हो जाएगा, लेकिन मुझे कितना पैसा सेट असाइड करना चाहिए वो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए मुझे अगर पता हो जाता है कि हर साल हम कितने रुपए का उस एसेट को यूज कर रहे हैं, तो उतना उतना पैसा अगर जमा करेंगे तो मेरे लिए फंड जो है वो सही तरीके से रेडी हो जाएगा। तो अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो मुझे पता चलेगा हर साल कितने का डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो उतना ही अमाउंट मुझे सेट असाइड करना चाहिए और वो मेरा बन जाएगा एक्यूमुलेटेड फंड। एक साल 9000, फिर 9000, 9000, ऐसे करके मेरे पास पैसा जमा होते जाएगा और जब हम रिप्लेस करना चाहेंगे तो उस फंड को हम यूज कर सकते हैं। तो फंड में कितना पैसा डाले उसके लिए मुझे डिप्रिसिएशन पता होना चाहिए। अगर मुझे पता होगा कितने का यूज कर रहे, तो उसके हिसाब से फंड में पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। तो बोला टू एक्यूमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, इसीलिए भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। फिर लिखो टू एसर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अब ये क्या है, टू एसर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जैसे मान लो कि कोई बेकरी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, यहाँ पर मान लो बिस्किट्स केक वगैरह बन रहा है, तो वो मशीन में बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मशीन का तो डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है, अब वो एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इंसान कहाँ से निकालता है, अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच के। कोई भी बिजनेस दो ही चीज का होता है, या तो वो प्रोडक्ट बेचता है या तो वो सर्विस बेचता है, लेकिन कोई भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज जो है यूज करता है उसका सारा पैसा अपने कस्टमर से ही निकालेगा। चाहे वो प्रोडक्ट बेचता है तो प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड करके, और सर्विस बेचता है तो सर्विस के प्राइस में ऐड करके, अपने पॉकेट से थोड़ी ना देगा। सोचो, अगर अपने पॉकेट से ही देना हो रहा है तो फिर बिजनेस तो लॉस में चल रहा है, मुझे तो प्रोडक्ट के प्राइस से ही निकालना पड़ेगा। तो क्या मुझे डेप्रिसिएशन भी प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड करना चाहिए?
करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कैसे ऐड करें, ठीक है, वो तो एक मेथड होता ही है कैसे ऐड करें। तो मुझे क्या करना है, जैसे अगर मान लो हम बिस्किट बना रहे, तो मुझे पता है उसमें रॉ मटेरियल का खर्चा ऐड करना पड़ेगा, लेबर का खर्चा ऐड करना पड़ेगा, कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऐड करना पड़ेगा उसमें फैक्ट्री चलने से जो हो रहा है, मुझे रेंट भी ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा। अगर हम वो डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं करते तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्टिंग सही नहीं होगा। अगर कॉस्टिंग सही नहीं होगा तो हम उस पे प्रॉफिट लगा के कैसे सेल प्राइस ढूंढेंगे। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, गलत यानी कि कम दिखेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मेरा खर्चा है। अगर हम खर्चे को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मेरा प्रोडक्ट प्राइसिंग गलत होगा, तो हम तो क्या कर रहे हैं, मार्केट में गलत दाम में बेच रहे हैं, क्योंकि हम अपना खर्चा प्रॉपर ऐड ही नहीं कर रहे। तो मुझे डेप्रिसिएशन इसीलिए भी कैलकुलेट करना चाहिए ताकि हम उसको अपने प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड करके उसका सही कॉस्टिंग करके फिर उस पे प्रॉफिट लगा के उसको मार्केट में हम लोग क्या कर पाए, सेल कर पाए, नहीं तो मेरा प्रोडक्ट जो है प्राइसिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं टू एसर्टेन रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन का मतलब हो गया कि हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसका पूरा एक्टिविटी का हमें ट्रू रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो फिर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। बेसिकली ये सारे पॉइंट को ही बता रहा है, जैसे ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन का ही दूसरा पॉइंट बोल सकते हो, टू एसर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे मेरा एक्चुअली कितना प्रॉफिट हो रहा है वो मुझे अगर पता करना है, तो एक्सपेंस में मुझे डेप्रिसिएशन को भी नोट डाउन जरूर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो डेप्रिसिएशन का एक नोट लिखेंगे जहां पर डेप्रिसिएशन एक एसेट पे चार्ज नहीं हो सकता है। बोल सकते हो किस पे चार्ज नहीं होता है? लैंड, डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन लैंड। ये किस पे चार्ज होता है, मतलब लैंड पे फिर क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है। इट्स वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है, इट्स वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस, दैट इज एप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है वो कभी भी लैंड पे चार्ज नहीं होता है, लैंड का वैल्यू ऑलवेज जो है एप्रिशिएटिव होता है, ठीक है, वैकेंट लैंड। लेकिन इसमें भी देखो एक बात है कि लैंड तो मैंने बोल दिया एप्रिशिएशन होगा, वैकेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बिल्डिंग बोल रहा है तो बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है, बिल्डिंग अगर बोल रहा है तो बिल्डिंग पे तो डिप्रिसिएशन होता है। लेकिन कभी कभी तुम लोग को ये लैंग्वेज मिलता है, लैंड एंड बिल्डिंग ऐसे दिया हुआ रहता है, तब उस पर क्या करते हो, डिप्रिसिएशन चार्ज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग बोलते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, क्यों होता है, देखो अगर मान लो हम लोगों ने जो है घर खरीदा है, ठीक है, लेकिन वो घर जो है लैंड के साथ ही खरीद लिया, मतलब जमीन के साथ साथ ये घर, ठीक है, मतलब ये जमीन भी ले लिया, जैसे फ्लैट में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो जैसे फ्लैट पे डिपेंड करता है, अगर कोई मान लो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर में रहता है तो उसका जमीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो उतना एरिया उसका है। लेकिन ये जो ग्राउंड फ्लोर जहां हम लोग क्लास कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर में देखो ये जमीन के साथ लेना देना, ग्राउंड फ्लोर जिसका है ये जमीन भी उसी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोगों ने एक ऐसा घर खरीदा, इस जमीन के साथ खरीद लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि देखो अब ये घर पे तो डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये घर और जमीन पूरा खरीदे हैं मान लो 10 लाख में, ठीक है, ये घर और जमीन दोनों मिला के 10 लाख में खरीदे। अब मुझे नहीं पता कि जमीन का कितना अलग है और घर का कितना अलग है, हम लोग बाइफर्केट अगर नहीं कर सकते, ऑन दैट मोमेंट ऐसे लिखा हुआ रहता है लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का वैल्यू कितना है, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख है, तो 10 लाख पे तब हमें डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा अगर हम लोग लैंड के वैल्यू को बाइफर्केट नहीं कर सकते। और अगर कर सकते हैं तो फिर लैंड वाले पोर्शन पे नहीं लगता है बिल्डिंग, लेकिन वैसे भी अगर जमीन के ऊपर कुछ बना हुआ है तो उस पे पूरा ही डिप्रिसिएशन लगता है, ओनली वैकेंट लैंड का एप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है, मतलब होता है उसी का ही। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन जो है कौन से वैल्यू पे चार्ज होता है ये भी देख लो, डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होता है, चार्ज्ड ऑन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट पे चार्ज होता है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट मतलब क्या होता है, अब देखो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है कि
जैसे एक तो देखो उसका मार्केट प्राइस, जो भी हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदे उसका जो मार्केट प्राइस है, मतलब जितना अमाउंट पे करके हम लोगों ने एसेट को एक्वायर किया, वो तो कॉस्ट हो गई। इसके अलावा और क्या क्या हमारे फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट हो सकता है वो हमें पता होना चाहिए। तो लिखो ऑल एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड, सॉरी इनकर्ड, इनकर्ड टिल द एसेट इज रेडी टू यूज आर एडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट जब तक रेडी टू यूज नहीं हुआ है उसके पहले जितना भी खर्चा होगा वो सारे एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंस्टॉलेशन चार्जेस, जैसे देखो क्लासरूम में एसी लगा, ठीक है, तो एसी का तो अपना कॉस्ट है ही है, प्लस उसको इंस्टॉल करने का अलग कॉस्ट लिया। अगर मेरा एसी 40,000 का है तो उसमें मान लो इंस्टॉलेशन 2,000 लगा के वो कितने का बन गया, 42,000। तो अब हम ये नहीं बोलेंगे एसी 40,000 का, क्योंकि मैंने एसी का हवा ही नहीं खाया, यूज ही नहीं किया, फिर भी उसके पहले मुझे कितना खर्चा करना पड़ा, और भी 2,000 खर्चा करना पड़ा। तो वो क्या हो गया, यूज के पहले जितना भी खर्चा होगा वो सारे एसेट के प्राइस में एड होना चाहिए। जैसे कि इंस्टॉलेशन यूज के पहले ही होगा, अगर कोई प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन डिमांड करता है, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है बिना इंस्टॉल के हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, लाइक एक्वागार्ड हो गया, एसी हो गया, तो उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। साइट प्रिपरेशन, मान लो कहीं पर बड़ा सा प्लांट मशीनरी लगवाना है, ठीक है, तो वहां पर साइट को रेडी करना पड़ता है उस प्लांट मशीनरी को वहां पर लगाने के पहले, कि हाँ मुझे इस तरीके का जो है साइट चाहिए जहां पर मेरा ये मशीन फिट होगा। तो साइट प्रिपरेशन का कॉस्ट, ठीक है, साइट प्रिपरेशन चार्जेस, और क्या हो सकता है, ट्रायल रन, ठीक है, किसी मशीन, कभी कभी क्या होता है कुछ मशीन्स को यूज करने के पहले ना ट्रायल रन करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कोई प्रिंटर खरीद रहे हो, ठीक है, तो प्रिंटर खरीद रहे हो तो उसमें पहले ना कोई बेकार का पेपर वगैरह दे के उसमें क्या करते हैं ना, हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि उसमें अच्छा सा प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है, सारे कलर वगैरह ठीक ठाक चल रहे हैं नहीं चल रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से पहले नहीं देखते। तो ये क्या हो गया, ट्रायल रन का खर्चा, यूज करने के पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायल रन कर रहे हैं। तो अब ये जो भी पेपर वगैरह यूज कर रहे हैं उसका तो एक खर्चा होता है ना, तो वो खर्चा भी क्या हो जाएगा, ये हमारे प्रोडक्ट के मतलब प्राइस में, प्रिंटर के प्राइस में उसको फिर क्या करना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो परचेज प्राइस, वो तो होगा ही होगा, ठीक है, जिस प्राइस से हम लोग एसेट को खरीद रहे हैं। और एक हो जाएगा इरेक्शन चार्जेस, ये सब, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है, बाकी हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं क्वेश्चन में जब बोलेगा। अगर प्रोडक्ट को यूज करने के पहले हम लोग जो भी खर्चा कर रहे हैं वो हमारे फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग कोई सेकेंड हैंड मशीन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंड हैंड, मान लो मैंने कोई सेकेंड हैंड एसी लिया, लेकिन उस एसी को मुझे करवाना पड़ेगा थोड़ा रिपेयर, तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। तो वो रिपेयर का खर्चा लेकिन मेरा क्या हो जाएगा, वो भी मेरे मशीन के कॉस्ट में ऐड होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, रिपेयर है बोल के वो पीएल में चार्ज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो हो सकता है मेरा एसेट जो है सेकेंड हैंड है, लेकिन मैंने तो पहले बार यूज करना है। अगर मेरे यूज के पहले मैंने कोई भी उसमें खर्चा किया है अदर देन परचेज प्राइस, तो सारे कॉस्ट उसमें मेरा ऐड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेकेंड हैंड है रिपेयर करवाया तो वो रिपेयरिंग चार्जेस में चला जाएगा, कभी नहीं, क्योंकि अगर जो भी खरीद रहा है उसके लिए अगर वो खर्चा यूज करने के पहले का है तो वो खर्चा क्या हो जाएगा, एसेट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े मशीन्स को खरीदने में ना बहुत सारा ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिलता है। किसी किसी बिजनेस के केस में गवर्नमेंट बोलता है कि आप ये प्लांट खरीदो आपको सब्सिडी मिलेगा। तो अगर हमें सब्सिडी मिलता है तो सब्सिडी का पैसा क्या होना चाहिए, क्या लगता है, एसेट के कॉस्ट में क्या होना चाहिए, माइनस, ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका खर्चा कम हो जाएगा। तो सब्सिडी जो है, सब्सिडी अगर मिलता है अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट तो वो पैसा हमारे एसेट के कॉस्ट को कर देता है कम। जैसे कि मान लो हम लोगों ने कुछ भी एक प्राइस का, जैसे मान लो 50 लाख का प्लांट खरीदा, ठीक है, फिर हम लोग को मिला उस पे सब्सिडी, ठीक है, मान लो सब्सिडी मिल गया हम लोग को 5 लाख का, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे एसेट का कॉस्ट अब 50 लाख नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा मेरे लिए, 45 लाख, ठीक है, ये हो जाएगा।
अच्छा, अब ट्रायल रन का ना एक चीज होता है, देखो ट्रायल रन से जो हमें आउटपुट मिलता है, मान लो कि हम लोगों ने ट्रायल रन किया, और जैसे मैंने प्रिंटर का एग्जांपल दिया या फिर जेरोक्स मशीन का, अब मान लो ट्रायल रन के बाद हमें जो आउटपुट मिला, मतलब जो भी बेकार का पेपर जो मिला, मतलब जिसपे हम लोगों ने ट्राई किया, अब वो पेपर मान लो हम लोग जो न्यूज़पेपर लेने आते हैं ना, मतलब जो स्क्रैप सेलर होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पुराने न्यूज़पेपर बेच नहीं देते हैं, ठीक है? तो वैसे ही मान लो कि जितना भी ट्रायल रन हुआ वो सारे न्यूज़पेपर को हम लोगों ने बेच दिया, ठीक है? तो वो पेपर को अगर हम लोगों ने बेच दिया तो उससे हमें क्या मिलेगा, क्या एक अर्निंग मिलेगा, बोलो, अगर उसका कोई मार्केट वैल्यू होगा तो मिलेगा कि नहीं? जैसे हम लोगों ने क्या किया कि ट्रायल, हम लोगों ने एक बड़ा सा इसको जेरोक्स मशीन खरीदा, मिलेगा, ठीक है? मार्केट वैल्यू जो है उसका कुछ ना कुछ होगा, तो वो रद्दी जो भी पेपर हमारे पास हुआ उसको ले जाके हम लोग बेच सकते हैं। तो बेचने से हमारे पास जो पैसा आएगा, उस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, अपने एसेट के कॉस्ट से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे मान लो मैंने एक प्रिंटर खरीदा सपोज 8,000 का, ठीक है? उस पे जो भी ट्रायल रन किया, बहुत सारे पेपर से ट्रायल रन किया, अब वो पेपर मैंने क्या किया ना, स्क्रैप डीलर को बेच दिया, ठीक है? तो मुझे स्क्रैप डीलर से कितना मिला, मान लो 100 रुपए मिला, ज्यादा नहीं मिला, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा मेरे एसेट का कॉस्ट, क्योंकि मैंने यूज के पहले ट्रायल रन किया है। तो ट्रायल रन का कॉस्ट जैसे ऐड होता है, वो ट्रायल रन से अगर मुझे कुछ आउटपुट मिला जो मार्केट में सेल हो सकता है, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, एसेट के कॉस्ट को कम भी करेगा। अब ट्रायल रन करने के लिए जो मेरा, मान लो मैंने पेपर खरीदा था 300 रुपए का, ठीक है? 300 रुपए का सारा पेपर से मैंने ट्रायल कर दिया, और उसके बाद वो सारे रद्दी पेपर को जब बेचा तो मुझे कितना मिला, 100 रुपए, ठीक है? तो 300 रुपए मेरा ऐड होना चाहिए प्रिंटर के कॉस्ट में, 100 रुपए मेरा लेस होना चाहिए, नेट 200 रुपए हो जाएगा। तो ट्रायल रन का जो खर्चा है वो ऐड होगा, ट्रायल रन के आउटपुट्स अगर मार्केट में सेलेबल है तो वो उससे मुझे क्या हो जाएगा, अर्निंग हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक पॉइंट हो गया। चलो इंट्रोडक्शन हमें डेप्रिसिएशन का काफी मिल गया, अब हम लोग मेथड्स पे आते हैं कि क्या क्या मेथड्स होता है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका दो तीन नाम है, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, पहला मेथड हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है? अच्छा, अब इसको हम लोग क्यों बोलते हैं फिक्स्ड मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर क्या बोलते हैं इसे, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं? देखो जैसे मान लो मेरा एक फिक्स्ड एसेट था 1 लाख, ठीक है? और उसका स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का मतलब हो जाता है, स्क्रैप वैल्यू या फिर इसे हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू का मतलब मार्केट में अगर हम उसे बेचने जाए तो मुझे कितना मिलेगा। जैसे देखो मैंने ये लैपटॉप का एग्जांपल जो लिया था, मैंने देखा ऑनलाइन पे ये ट्राई करके कि ये फीचर्स वाला जो लैपटॉप है इसको मार्केट में बेचने से मुझे कितना मिलेगा, 5,000। तो 5,000 मेरा क्या हो गया, रेसिडुअल वैल्यू, या फिर जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है? अब मान लो ये रेसिडुअल या स्क्रैप वैल्यू है मेरा 10,000, और इस एसेट को मैंने यूज किया है जिसको हम बोल सकते हैं यूजफुल लाइफ, ठीक है? यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स, ठीक है? तो मुझे डेप्रिसिएशन आइडेंटिफाई करना कितना होगा, तो ये सब ना एस्टिमेटेड है, ठीक है? देखो अब हम अपना लैपटॉप खरीदने के बाद ऐसा सोचेंगे कि ये लैपटॉप हम 5 साल चला लेंगे, ठीक है? तो ये मेरा एस्टिमेशन है, जरूरी थोड़ी ना कि 5 ही साल चलेगा, हो सकता है हम 6 साल चला लिए, हो सकता है हम 4 ही साल चला पाए, तो ये सब क्या होता है ना, एस्टिमेटेड होता है। और ये जो मैंने स्क्रैप आइडेंटिफाई किया ना कि मुझे मार्केट में 10 साल बाद ये वाला एसेट कितना रिटर्न देगा, 10,000 देगा, ये भी मेरा एस्टिमेटेड है, क्योंकि एक्चुअली जब मार्केट में जाएंगे बेचने के लिए 10,000 से कम भी हो सकता है, 10,000 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुझे अगर अपना डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेट करना है तो मुझे दो चीज का एस्टिमेशन करना ही पड़ेगा, एक हो जाएगा कि मेरे एसेट का यूजफुल लाइफ, और दूसरा हो जाएगा कि मेरा एसेट का स्क्रैप वैल्यू उतने यूजफुल लाइफ के बाद कितना हो सकता है, ठीक है? अब अगर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन कैसे निकल जाएगा, देखो ऐसे होगा, हम पहले यहां पर टोटल डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1 लाख का एसेट अगर 10 साल बाद मुझे सिर्फ 10,000 रुपए ही रिटर्न दे रहा है, मतलब 10,000 रुपए का ही अर्निंग होगा, मतलब
कितने का एसेट मैंने यूज कर लिया, 90,000 का, और कितने दिन में करेंगे ऐसा मैंने सोच रखा है, 10 ईयर्स में, तो पर ईयर कितना हो गया 9,000 करके, ठीक है, ये हो गया रुपीज 9,000 पर एनम, ऐसे बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑल अबाउट टाइम होता है, टाइम बेसिस पे ही डेप्रिसिएशन लगता है, तो ये मैंने क्या किया पूरे साल भर का, तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि मैंने ये मान लिया कि हर साल हम कितना करके डेप्रिसिएशन लगा 9,000, मतलब स्ट्रेट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, 9,000 9,000 9,000, क्योंकि ये अमाउंट फिक्स्ड हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट होगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट है ये, है ना, देखो ये इंस्टॉलमेंट जैसा ही तो हुआ ना, हर बार मुझे 9,000 का एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसीलिए बोलते हैं, अगर इसके जगह हमारे पास क्वेश्चन में रेट दिया हुआ रहे, डिप्रिसिएशन का भी रेट दिया हुआ रहता है, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है, अदरवाइज हमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दे सकता है, मान लो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है 10% पर एनम, ठीक है, तो मुझे हर बार डिप्रिसिएशन कैसे लगाना है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है एसेट का 1 लाख पे 10% लगाने से कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 10,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000, अगर हम इसको 90% करते हैं तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा, बाकी अमाउंट सेम आ जाएगा, 1 लाख × 90,000 करके हर बार आएगा, ठीक है, तो जो भी हो यहाँ पर अगर हम 90% करते थे वो इतना डिप्रिशिएट तो होता नहीं है नॉर्मली कोई ऐसे, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे हो सकता है, हो जो भी हो, अगर मुझे क्वेश्चन में रेट दे दे तो मुझे हर बार किस पे लगाना है, 1 लाख पे लगाना है, जैसे हम लोग जो है टाइम वैल्यू मनी में कर रहे हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है, हर बार प्रिंसिपल अमाउंट में ही क्या होता है, इंटरेस्ट मिलते जाता है, वैसे ही ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, मैंने यही इन्वेस्ट किया, अब इसी पैसे पे मेरा डिप्रिसिएशन लगता जाएगा, पहले साल 10,000, फिर नेक्स्ट ईयर भी 1 लाख पे 10% 10,000 ऐसे करके चलता जाएगा, इसीलिए इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया पता है, डिप्रिसिएशन पर एनम कैसे निकालेंगे, देखो हम लोगों ने कैसे निकाला, 1 लाख क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, इससे मुझे मिल जाता है कितना डेप्रिसिएशन है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो जाएगा, ये 9% होने से आई थिंक 90,000 हो जाएगा, हाँ ये 9% करने से एग्जाम्पल को, ये अगर तुम लोग 9% कर लेते हो तो 90,000 हो जाएगा, ठीक है एग्जाम्पल ही है, लेकिन हम दोनों को इक्वल करना चाह रहे हैं इस वजह से, देखो ये 9% करने से 90,000, ये देखो देखो ऐसे भी हम लोग रेट भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं पता है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट सीखा था, कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है पर ईयर 9,000 ठीक है, आउट ऑफ कितने वैल्यू पे हो रहा है, 1 लाख पे इंटू 100%, ये करने से मुझे डेप्रिसिएशन का रेट मिलता है, निकल के आता है 9%, ये भी कभी कभी मुझे क्वेश्चन में पूछ सकता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकाला हम लोगों ने, ये क्या था ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, और ये क्या था डेप्रिसिएशन पर एनम, ठीक है, तो ये हो गया फिक्स्ड इंस्टॉलेशन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। देखो स्ट्रेट लाइन इसीलिए है क्योंकि बराबर डिप्रिसिएशन लगता जाता है, डिप्रिसिएशन के वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट से डिप्रिसिएशन लगता जाता है और हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन लगता जाता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग WDV भी साथ साथ सीख लेते फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो WDV मेथड में क्या होगा, जैसे तुम लोग टाइम वैल्यू मनी में पढ़ रहे हो ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड, तो वहां पर क्या होता है अमाउंट में ऐड करके इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो यहाँ तो अमाउंट ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन में तो चीजों का वैल्यू कम होता है तो डेप्रिसिएशन लेस होगा। जैसे कि देखो मेरे एसेट का कॉस्ट है सपोज 1 लाख, जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया, अब इस पे डेप्रिसिएशन मैंने लगा दिया 9% के अकॉर्डिंग 9,000, तो कितना बन गया 91,000, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू, आफ्टर 1 ईयर एसेट का वैल्यू कुछ इतना बचा, फिर अगर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना लगेगा
9% ही लगेगा, लेकिन 91,000 पे लगेगा, ठीक है, बचे हुए वैल्यू पे लगेगा। जब बचे हुए वैल्यू पे लगता है, इस मेथड को हम लोग WDV मेथड बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा देखो, 91,000 पे अगर 9% लगा लेते हैं तो ये हो जाता है 8190। माइनस 91, ठीक है, तो 82,810 इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फिर से WDV फैक्ट, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर हम लोग को डिप्रिशिएशन कैसे लगाना पड़ता है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने डिप्रिशिएशन का फॉर्मूला क्या यूज किया, कैसे लगाया, कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट का जो कॉस्ट था यानी कि 1 लाख, ठीक है, इंटू रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, इंटू रेट ऑफ डिप्रिशिएशन जो कि था 9%, इंटू क्या हो जाएगा, इनटू टाइम भी होता है, ठीक है। यहाँ पर तो टाइम मैंने पूरा 1 ईयर माना है, इसलिए टाइम का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। अगर ये 1 ईयर की जगह 9 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ होता तो हमें कितना लगाना पड़ता। जैसे मान लो ये एसेट खरीदा गया है, इनका ईयर होता है 1 जनवरी को शुरू और 31 दिसंबर को खत्म, और मान लो ये एसेट खरीदा गया है 1 मई को, ठीक है, तो फिर पहले बार कितने टाइम का डिप्रिशिएशन लगेगा, अप टू 31 दिसंबर तक लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखो एसेट का वैल्यू का डिप्रिशिएशन हमें कब चार्ज करना है, डिप्रिशिएशन हमें किसी भी एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए चार्ज करना है, फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म हो सकता है, आइदर जैन टू दिसंबर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, अप्रैल टू मार्च हो सकता है, या फिर क्वेश्चन अगर कुछ और बोलेगा तो कुछ और भी हो सकता है। अब मान लो मैंने 1 मई को अगर मेरा एसेट खरीदा था तो उस अकाउंटिंग पीरियड में कितने दिन का डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, यहां से लेके यहां तक का, है ना, या फिर यहां पर अगर खरीदा था मान लो इस अकाउंटिंग पीरियड मई, तो मई से लेके कितने का होगा, मार्च तक का, क्या उसके बाद डिप्रिशिएशन नहीं होगा, होगा ना, लेकिन वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन में टाइम बहुत मायने रखता है, हम लोग जितने दिन एसेट का यूज करेंगे उतने दिन का ही डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में, और वो डिपेंड करता है हम लोगों ने कब परचेस किया और उसके बाद उसको कितना दिन यूज किया। अब नेक्स्ट ईयर मान लो हम लोगों ने पूरा यूज किया, फिर नेक्स्ट पूरा यूज किया, और उसके बाद मान लो हम लोगों ने उसको सेल कर दिया, तो अब सेल करने के पहले जितना दिन एसेट हमारे पास था उतने दिन का डिप्रिशिएशन होगा, ठीक है। तो मान लो हम लोगों ने यहाँ पर कितना दिन हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कितना हो गया, 8 मंथ हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 12 महीना यूज किया, फिर 12 महीना यूज किया, उसके बाद मान लो इस एसेट को हम लोगों ने बेच दिया है 1 मार्च को, तो इनका अकाउंटिंग ये शुरू होता है जैन से, तो जैन से लेके मार्च तो कितने दिन का डिप्रिशिएशन होगा सेल करने से पहले, 2 होगा, क्योंकि 1 मार्च लिखा है, ठीक है, तो 2 मंथ का डिप्रिशिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा। अगर 31 मार्च होता तो फिर 3 मंथ का होता, तो हमें टाइम हमेशा डिप्रिशिएशन में देखना पड़ेगा, क्योंकि डिप्रिशिएशन तो टाइम के ऊपर ही होता है ना, कि कितने दिन हम लोग एसेट को यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे होता है, और ये टाइम हमें कब तक का काउंट करना है, पर अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग काउंट करना है, तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं देखो WDV वैल्यू, या फिर इसका और एक नाम भी होता है, इसका नाम होता है बुक वैल्यू, यानी कि वैल्यू अपीयर्ड इन बुक ऑफ अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डिप्रिशिएशन। देखो इस वैल्यू को WDV वैल्यू या बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू का मतलब हो जाता है कि जो वैल्यू डिप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद बच जाता है, अच्छा ये हम लोग का WDV वैल्यू हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो और एक पॉइंट भी हो सकता है, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब जितना दिन हम लोगों ने यूज करने का सोचा था उसके बाद जो बुक वैल्यू निकल के आया, ठीक है, वो हम लोग का क्या हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब मैंने अपने एसेट को सोचा था 5 साल यूज करेंगे, या फिर दो साल बाद मेरे एसेट का बुक वैल्यू आया 82,810, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, बुक वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू इक्वल कब होगा, जब हम सोचेंगे अब इस एसेट को मुझे आगे और यूज नहीं करना है, मार्केट में सेल कर देना है, अगर सेल होगा तो वही बुक वैल्यू मेरा क्या हो जाता है, स्क्रैप वैल्यू हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब कुछ पॉइंट देखो, जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट का जो कॉस्ट है वो हम लोग का क्या होता है, बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग, ठीक है,
स्टार्टिंग में जो एसेट का कॉस्ट है वही मेरे एसेट का बुक वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे मैंने एसेट को अगर खरीदा है 1 लाख से, तो ये मेरा एसेट का कॉस्ट भी है और ये मेरा एसेट का बुक वैल्यू भी है, ठीक है। अच्छा, और स्क्रैप वैल्यू का मतलब, स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ठीक है, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। जैसे यूजफुल लाइफ अगर मैंने 5 साल सोच रखा है, तो 5 साल बाद जो बचा हुआ एसेट का वैल्यू होगा वही मेरा स्क्रैप वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, डेप्रिसिएशन, अच्छा ये तो मैंने लिखवा दिया, रेट तो लिखवाया ना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ लिखवाया फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखवा दिया और लिखवाने का जरूरत, इसको हटा देते हैं। अब एंट्री, ठीक है, तीन एंट्री बता देते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब हम लोग एसेट परचेज करेंगे तब एंट्री क्या होगा, फिक्स्ड एसेट टू कैश या फिर बैंक या फिर क्रेडिटर, अगर क्रेडिट का बात हो रहा है। डेप्रिसिएशन जब चार्ज होगा तो क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होने पर डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है इसीलिए डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा और टू फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होता है, पीएल में, क्लोज कहाँ पर होगा, पीएल में, तो फिर क्या एंट्री होता है, पीएल टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, पीएल टू डेप्रिसिएशन। और इसका लेजर कैसे बनेगा ये देखो हम दिखा देते हैं, फिक्स्ड एसेट का ऐसे लेजर बनेगा, इसमें डेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट टू बैंक करेंगे, बैंक या कैश परचेज का, ठीक है, फिर उसी साल का डेप्रिसिएशन भी दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, फिर जो बचा हुआ वैल्यू रहेगा उसको यहाँ पर दिखाएंगे बाय बैलेंस शीट, फिर कर देंगे क्लोज, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। फिर देखो ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस पीटी, फिर डेप्रिसिएशन होगा तो वो लगाएंगे, फिर निकालेंगे बाई बैलेंस सीटी। तो इस तरीके से हम लोग का जो है लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा और हमें इसमें मैक्सिमम जो है लेजर पोस्टिंग ही करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, जर्नल उतना पूछेगा नहीं, लेजर का ही ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो पहला क्वेश्चन ये वाला क्या बोला है, जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड ए मशीन ऑन 1st जुलाई 2018 एट ए कॉस्ट ऑफ 14 लाख एंड स्पेंट 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो इन्होंने मशीन का जो परचेज प्राइस है वो कितना है 14 लाख, 1 लाख का इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाया। तो बोल रहे द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर एवरी ईयर। हमें बोला है मशीनरी अकाउंट दिखाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाओ फॉर द ईयर 18-19, दो साल के लिए हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट दोनों ही हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखो कैसे करके करेंगे, इलास्ट्रेशन वन, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम नॉर्मली टाइमलाइन ड्रॉ करके करते हैं, ये छोटा क्वेश्चन के लिए तो जरूरत नहीं है, फिर भी एक हैबिट करने से ठीक रहेगा, जब आगे बहुत सारे डेट के साथ क्वेश्चन रहेगा ना, ये मशीन खरीद लिया वो बेच लिया, तो फिर उसमें टाइमलाइन ड्रॉ करने से सही रहता है। देखो बोल रहा है कि 1st जुलाई 18 को परचेस हुआ, तो जुलाई मतलब कौन सा होता है 7, 1st जुलाई 18 को परचेज हुआ है, ठीक है, कितने से परचेज हुआ है 14 लाख का जो है एसेट परचेज किया गया है, मशीन था। अच्छा अब बोल रहे स्पेंट क्या है 1 लाख, अब इस 1 लाख का क्या करें, ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन बोल के हम ऐड करके दिखा देते हैं, इंस्टॉलेशन 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का इंस्टॉलेशन ऐड हो गया, तो मशीन मेरा कितने का हो जाएगा 15 लाख का, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हमें बोला है कि डेप्रिसिएशन 10% पर एनम होता है हर साल, तो डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया 10% पर एनम, और इनका जो ईयर एंड है वो होता है 31st दिसंबर एवरी ईयर, तो ये साल कब खत्म होगा, लेकिन 31st दिसंबर ईयर कौन सा होगा 18 ही होगा, ठीक है। अच्छा फिर हमें 2 साल का दिखाने बोला है, तो फिर नेक्स्ट और 1 साल का दिखाएंगे, नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा 31st दिसंबर 2019 को खत्म होगा। अच्छा तो पहले साल कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, जुलाई में खरीदा गया था, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पहले साल कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ्स का, फिर नेक्स्ट ईयर कितने का लगेगा
पूरा पूरा 12 months का, क्योंकि इसमें तो बीच में कुछ भी हमें काउंट करना ही नहीं है, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक तो 12 months ही हो रहा है। दे चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, देखो दिसंबर तक तो डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया था, इसके बाद जैन से लेके फिर से दिसंबर, तो 12 months हो गया। हम लोग को क्या करना है, डिप्रिसिएशन का रेट भी हम लोग को बता दिया है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, यही मेथड चल रहा है, कुछ मेथड चेंज भी नहीं हो रहा है। तो 15 लाख पे 10% यानी कितना हो जाएगा, हाँ लेकिन 6 months का हो, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत मायने रखता है, मैंने बोला ना यहाँ पर देखो, हम लोग अगर 15 लाख का मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है, इस पे हम लगाएंगे 10%, तो ये मुझे 12 months का मिलेगा, हाँ कि ना, क्योंकि 10% मेरा 12 months का है, लेकिन मुझे कितने मंथ का चाहिए, 6 months, तो अगर हम इसे डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो मुझे पर मंथ का मिलेगा, ये पूरा कितने महीने का है, 12 months डिवाइडेड बाई 12 months करने से कितना मिलेगा, पर मंथ इंटू 6 कर देंगे तो कितने का मिलेगा, 6 months, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 6/12 इस तरीके से लिखते हैं। और इस पे कैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वही 15 लाख, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इस पे लगेगा कितना 10%, ये कितने दिन का है, 12 months का ही, मुझे 12 months का ही चाहिए, तो मुझे और इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, चाहो तो 12/12 कर सकते हैं। 12/12 का मतलब क्या हो गया, ये पूरे एक ही बात हुआ ना, देखो ये पूरे 12 months का है, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 1 महीने का निकलेगा, मुझे चाहिए 12 months का, तो इंटू 12 हो जाएगा, तो 6/12, 12/12, जो भी ड्यूरेशन लिखा जाता है वो इस वजह से लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो देखो यहीं पर सॉल्व हो गया, बस हम लोग को इसको क्या करना है, वही तुम लोग का जो अकाउंटिंग फॉर्मेट है उसमें तुम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे लिखना पड़ता है, इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, मशीन और डेप्रिसिएशन दिखाने बोला। अच्छा इसमें लेकिन हमेशा डेट का कॉलम करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेट के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो इसके लेजर में, बाकी लेजर में अगर डेट का कॉलम भूल भी जाते हैं तो हम लोग ठीक है चलता है, लेकिन इसमें जरूरी है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले एसेट परचेज हुआ है 1 जुलाई 2018 को, ठीक है, तो फिर कैसे एंट्री होगा, टू बैंक, ठीक है, 1 जुलाई 2018, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा, पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे टू बैंक लिख के यहाँ पर परचेज प्राइस लिखेंगे, ठीक है, परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, परचेज प्राइस है हम लोग का देखो 14 लाख, दोनों को अलग दिखाना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो देखो अगर डायरेक्ट 15 लाख लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये परचेज प्राइस है 15 लाख या इसमें कुछ और एडिट है। तो इसके बाद फिर से टू बैंक लिखेंगे और हाइफ़न देके हमें लिखना पड़ेगा इंस्टॉलेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एंट्री कैसे होगा, इसका एंट्री इस तरीके से होगा, मशीन टू बैंक 14 लाख, मशीन टू बैंक, मशीन टू इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं होगा, एंट्री ऐसे होगा मशीन टू बैंक परचेज प्राइस से 14 लाख 14 लाख, ठीक है, फिर हो जाएगा मशीन, या फिर ऐसे कर सकते हो कंबाइन एंट्री कर सकते हो, मशीन टू बैंक हाइफ़न देके परचेज प्राइस 14 लाख और फिर से टू बैंक हाइफ़न देके इंस्टॉलेशन 1 लाख और ये टोटल हो जाएगा 15 लाख। दोनों अलग अलग दिखाने से तभी ना पता चलेगा कि मेरा चीज का परचेज प्राइस क्या था और उसके अलावा मेरा क्या खर्चा हुआ, अगर हम लोग अलग अलग लिखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो अलग लिखना पड़ता है अकाउंटिंग पर्पस के लिए, ताकि हमें पता चले परचेज प्राइस क्या था, अदर कॉस्ट कितना था। अच्छा अब पहला डिप्रिसिएशन कब लग रहा है, 31 दिसंबर 2018 को, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2018 लिखेंगे और डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो मतलब मशीन है यहाँ पर फिक्स्ड एसेट का नाम, तो बाय क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अमाउंट भी मैंने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है, तुम लोग वर्किंग नोट पे कर सकते हो या फिर ऐसा भी वर्किंग नोट बना सकते हो जैसे हम लोगों ने ड्रॉ करके किया है तो भी होगा। तो ये हो गया मेरा पहला 6 months का, अच्छा कैलकुलेट तो नहीं किया, कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ कर लेते हैं 15 लाख इंटू 75 बाय डेप्रिसिएशन हो गया 75,000, ठीक है। अच्छा अब बचा हुआ वैल्यू निकालेंगे, उसमें डेट कौन सा लगेगा, 31 दिसंबर 2018 ही लगेगा कि अभी एसेट का वैल्यू कितना है आफ्टर वन ईयर, तो आफ्टर वन ईयर एसेट का वैल्यू कितना है देखते हैं। पहले एसेट था 15 लाख का, उसमें से हम लोगों ने 75,000 का यूज कर,
तो बचा कितना, 14,25,000। तो फर्स्ट ईयर मतलब जो परचेज हुआ उस साल के एंड में 14,25,000 एसेट का वैल्यू हो गया, जो कि 15 लाख का था। अब इसी को हमें करना है ब्रॉड डाउन, क्योंकि देखो ये एसेट अकाउंट है, एसेट का मेरा क्रेडिट बैलेंस आया, तो ब्रॉड डाउन होने से इधर होगा 1,119, टू बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस बीडी 14,25,000, क्योंकि मुझे एसएलएम मेथड बोला है, तो मेरा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ये मेरा हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन 1,50,000, ये कैलकुलेट करने से ही दिखेगा 1,50,000, ये 75,000। अब कैलकुलेट करके फिर से देखेंगे कि बचा हुआ वैल्यू कितना है, बाई बैलेंस सीडी, हो गया। और हम लोग को बोला है डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी बनाने बोला, ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी बना लेते, डिप्रिशिएशन का एंट्री कैसे पोस्ट होगा। सबसे पहले डिप्रिशिएशन तो ईयर एंड में होता है, एंट्री होता है ऐसे, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन हुआ है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा टू मशीन, और डेट कौन सा देंगे, जिस डेट पे डिप्रिशिएशन चार्ज होता है, मतलब ईयर एंड पे हुआ है तो ईयर एंड पे देंगे, 31 December 2018, टू मशीन बोल के पहले 75,000 आएगा। अच्छा, अब इसको जब हम लोग क्लोज करेंगे इस लेजर को, तो क्या बोल के क्लोज करेंगे, अभी लिखा था हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कहाँ क्लोज होता है, पीएल में, तो एंट्री क्या होता है, पीएल टू डेप्रिसिएशन, तो बाय पीएल हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट में, बाय पीएल 75,000, और ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 31 December 2019 को, तो एंट्री हो जाएगा, फिर से वही सेम एंट्री ही होगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगा, टू मशीन बोल के 1,50,000 बाय पीएल 1,50,000 क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो WDV मेथड से दिया है ये वाला, ठीक है, सो मशीनरी अकाउंट सेम क्वेश्चन है, हमें WDV मेथड से दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा फीचर्स बता देते हैं, देखो क्या क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट का देखा था ना पूरा, देखो इसका फीचर्स थोड़ा लिख लो क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं इसे, इसका और एक नाम भी होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अगर कहीं ये नाम दे दे तो भी सेम चीज होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डिप्रिसिएशन सेम रहता है, इस मेथड में क्या होता है, पहले हायर वैल्यू होता है, उसके बाद डिप्रिसिएशन का वैल्यू कम होते जाता है, क्यों, क्योंकि हम लोग बचे हुए वैल्यू पे देते हैं, तो बचा हुआ वैल्यू ऑलवेज परचेस प्राइस से तो रिड्यूस ही होते जाएगा, इसीलिए इसमें सिस्टम ये है कि डिप्रिसिएशन स्टार्टिंग में हायर और एंड में आके कम होते जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेन हायर इन अर्लियर ईयर and thereafter decrease या falls, मैंने लिखा है कि falls कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि example के तौर पे अगर देखें, depreciation suppose है 10% per annum और cost ले लेते हैं asset का है 1 lakh, ठीक है, तो first year depreciation कितना लगेगा, अगर पूरा पूरा साल होता है 10,000, फिर बचा कितना 90,000, इसके बाद डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, सेम प्रोसेस में 10%, लेकिन इस वैल्यू पे लगेगा, कितना हो जाएगा 9,000, तो कितना हो जाएगा 80
1000, और एक साल दिखा देते हैं, अगर फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, 8100, तो बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा, 72,900। तो देखो डेप्रिसिएशन कैसे बना, ये देखो ये हायर वैल्यू है कंपेयर टू बाकी, ठीक है। फिर धीरे धीरे देखो डाउन होते जा रहा है, ये देखो फिर धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर यहाँ ये चीज लिख लो कि ये 1 लाख पे हुआ है, अगर याद नहीं भी रहा तो 10% इंटू 12/12 करके ये हुआ है 90,000, ये बचे हुए पहले। और क्योंकि मैंने सभी 12 मंथ्स करके ही माना है कि पूरे पूरे साल का डिप्रिसिएशन, तो उतना हुआ है। अगर क्वेश्चन में कुछ टाइम पीरियड और बोले तो हमें कुछ और टाइम पीरियड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब डिप्रिसिएशन का परसेंटेज का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो, अगर कभी छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछ लिया तो पूछ सकता है। तो देखो क्या होता डेप्रिसिएशन का परसेंटेज, जैसे डब्ल्यूडीजी मेथड है लाइन टेक टू बोल बट इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेंस तब पर हायर इन अर्लियर ईयर एंड देयर आफ्टर फॉल्स। अब देखो यहाँ पर इसमें जैसे वहां पर क्या था, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, लेकिन यहाँ पर कुछ और फॉर्मूला यूज होता है, 1 माइनस nth root of scrap divided by cost of asset और ये bracket close into 100। Normally देखो इससे question तो हमें पूछता नहीं है कि हमें question solve करने के लिए ये formula use करना पड़े, लेकिन कभी कभी छोटा question जो true false MCQ में पूछ सकता है तो फिर वहां पर टिक देने में काम आएगा कि क्या answer होगा, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ होता है, एन का मतलब होता है यूजफुल लाइफ, स्क्रैप तो हम लोगों ने इतने देर से पढ़ा, स्क्रैप का मतलब क्या होता है, और कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। इस पे अगर हम लोग लगाते हैं तो ये डब्ल्यूडीवी मेथड से हम लोगों को डेप्रिसिएशन का परसेंटेज बता देता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर कभी जरूरत पड़े तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होना चाहिए, ठीक है, वो देखो। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम The date asset is ready to use. अब ये लिखने का क्या जरूरी था, देखो मान लो मैंने एसी वैसे लगा लिया, एसी मेरा रेडी टू यूज था, लेकिन मान लो एसी को मैंने यूज किया पूरे सेटअप होने के 1 मंथ बाद से, लेकिन मेरा डेप्रिसिएशन फिर कब से चार्ज होना चाहिए। जैसे मान लो मेरा एसेट, मेरा एसी जो है वो लग के रेडी हो गया था 16th of April को, लेकिन आज है 16th of May, मैंने 16th of May से इसको यूज करना स्टार्ट किया, लेकिन ये रेडी टू यूज कब हो गया था, मैंने नहीं किया वो मेरा मर्जी है, ये रेडी टू यूज था 16 अप्रैल से, लेकिन मैंने इसको चलाया आज 16 मई से, ठीक है। तो मेरा डिप्रिसिएशन कब से लगना चाहिए, यहां से कि यहां से, अप्रैल से, क्योंकि रूल्स क्या बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन तब से चार्ज करो जब से एसेट हमारा रेडी टू यूज है। अब हम लोगों ने कब यूज करना स्टार्ट किया उससे कोई मतलब नहीं, अगर एसेट रेडी टू यूज हो गया तो वो खुद को खुद डिप्रिशिएट होना चार्ज हो जाएगा, चाहे हम लोग उसे यूज करें या फिर हम लोग उसे यूज ना करें, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा उसी लिए तो पासेज ऑफ टाइम का बात आता है ना। फिर नोट नंबर 2 लिखेंगे, इन केस डेट of ready to use is not given, मान लो क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया है कि किस दिन एसेट रेडी टू यूज हुआ था, देन एज्यूम डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट इज एसेट एज रेडी टू यूज। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमें ये डेट दिया ही नहीं कि कब एसेट जो है रेडी टू यूज हुआ है, लेकिन तब हमें क्या करना है, तब हमें ये अजम्पशन लेना है कि डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट जो था वही मेरा डेट ऑफ रेडी टू यूज हो जाएगा, क्योंकि मुझे बोला ही नहीं है कब रेडी टू यूज है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक ड्रॉ कर देते हैं डेट देके, तो ये देखने से ही समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 10th of September
2023 को हम लोगों ने एसेट को परचेज किया था, ठीक है, और हम लोगों ने रेडी टू यूज हुआ वो हमारा एसेट 15th of September 2023। मतलब देखो एसी लेके आ जाने से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एसी का जो फीचर्स है वो जब तक मतलब लगेगा नहीं अपने प्लेस में यूज नहीं कर सकते। एक्वागार्ड का भी देख लो, एक्वागार्ड खरीद लिया तो क्या यूज कर लेंगे, हमें हम लोग थोड़ी ना लगा सकते, उसके लिए तो अलग अलग टूल्स चाहिए ना, वो जिनको पता है वही आके सेटअप करेंगे तभी हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखो रेडी टू यूज हमारा कब हुआ एसेट, 15th of September को। तो मेरा डिप्रिशिएशन कब से लगना स्टार्ट होगा, यहाँ से अब मेरा डिप्रिशिएशन कंटिन्यू होता जाएगा, अब उतने दिन होगा जितना दिन हम ये एसेट को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर मुझे क्वेश्चन में ये डेट रेडी टू यूज वाला दिया ही नहीं है, मुझे सिर्फ दे दिया है कि मैंने एसेट कब परचेस किया है, मैंने एसेट परचेस किया है इस डेट को, और मुझे क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि रेडी टू यूज कब है, मुझे नहीं पता, तो फिर मेरा डिप्रिसिएशन कहाँ से लगना स्टार्ट हो, इस डेट से मेरा डिप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे रेडी टू यूज पता है देन यूज द डेट रेडी टू यूज, अगर नहीं पता है तो परचेस डेट ही मेरा रेडी टू यूज वाला डेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नोट थ्री लास्ट नोट, उसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नोट थ्री देखो, इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट प्रोपोर्शनेट डेप्रिशिएशन विल बी चार्ज्ड if asset is not used for complete accounting year। मैंने ये accounting लिखा है, accounting year मतलब अभी हम लोगों ने जो question किया था ना उसमें वैसा ही था। देखो हम लोगों ने asset को purchase कब किया था, उस basis पे हमारा asset 6 months used हुआ था, मतलब इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था हम उस क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। देखो ये एसेट का ये वाला अगर क्वेश्चन हम लोग एक बार देखते हैं, ये एसेट को यूज स्टार्टिंग में हम लोगों ने यहाँ परचेस किया था तो हमारा 12 मंथ्स का कहाँ लगा, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर तो 12 मंथ्स का ही होता है, 12 मंथ्स का लगना चाहिए, प्रोपोर्शनेटली लगा, कितने का लगा, 12 मंथ्स का, 6 मंथ्स का लगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बोला है कि इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज, प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ सकता है इफ एसेट इज नॉट यूज्ड फॉर द कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में नहीं परचेस कर रहे हैं जो हमारा ईयर का स्टार्टिंग है तो फिर कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर के लिए डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, उससे कम के लिए लगेगा, 6 मंथ्स हो सकता है, 8 9 कुछ भी हो सकता है, 11 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो जैन टू दिसंबर है किसी का अकाउंटिंग ईयर, अब मान लो किसी ने परचेस किया है 31 मार्च को कोई एसेट, ठीक है, तो अब उसका डिप्रिसिएशन कहां से कहां तक का लगेगा, इस डेट को परचेस किया है तो यहां से यहां तक का कितना टाइम पीरियड हो रहा है, देखो कितना हुआ, 8 हो रहा है कि 9 हो रहा है, मार्च खत्म, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 9 मंथ्स हो रहा है, ठीक है, तो 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा, भले ईयर जैन टू दिसंबर का है तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 मंथ्स का लग जाएगा, जब परचेस किया, क्योंकि इसके पहले मेरे पास अगर एसेट था ही नहीं तो इस पीरियड का हम डिप्रिसिएशन क्यों लगाए, मेरे पास जब एसेट होगा उसके बाद से ही ना मेरा डिप्रिसिएशन लगेगा टिल उस अकाउंटिंग ईयर तक, ठीक है, टिल उस अकाउंटिंग ईयर तक, उसके बाद जैसे जैसे यूज होगा उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। और हमें इसके डिटेल्स और कुछ नहीं चाहिए। अब हम लोग सेम क्वेश्चन जो जैन ब्रदर्स वाला हम लोगों ने देखा था वही सेम क्वेश्चन को हमें करने दिया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, यानी कौन से मेथड से करना है, WDV मेथड। तो बचे हुए वैल्यू पे डिप्रिसिएशन लगेगा 10% वाला, ठीक है। तो चलो सेम क्वेश्चन है करके देखते थे इलास्ट्रेशन। इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स मशीनरी अकाउंट सेम क्वेश्चन था इसीलिए मैंने और ड्रॉ वगैरह नहीं किया। तो एसेट परचेस कब हुआ था, देखो एसेट परचेस हम और डेट कॉलम वाला नहीं बना रहे, एग्जाम में तुम लोग को पूरा बनाना पड़ेगा, अभी अगर नॉर्मल कर रहे हो तो कर सकते हो। 1st जुलाई 18 को परचेस हुआ था, तो 1st जुलाई 18 को हम लोग लिखेंगे टू बैंक
परचेज 14 लाख और टू बैंक, इंस्टॉलेशन 1 लाख और डिप्रिशिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 18 बाय डिप्रिशिएशन. सेम क्वेश्चन था, तो 15 लाख का एसेट था, पहली बार डिप्रिशिएशन लगा था हम लोग का 6 मंथ्स, वैसे भी दिख रहा है देखो जुलाई में परचेज हुआ, दिसंबर तक 6 मंथ्स था. सेम क्वेश्चन था, कैलकुलेट भी किया था हम लोगों ने, अमाउंट भी सेम ही आएगा है ना. 15 लाख अगर रेट सेम बोला है, हाँ रेट तो सेम ही बोला है, 10% ही क्वेश्चन में बोला है, इंटू 6 बाई 12, तो इसका वैल्यू मेरा आया था 75,000 और इसका रिमेनिंग वैल्यू भी सेम आएगा क्योंकि सारे वैल्यू तो सेम है. बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर ये आ रहा था 14,25,000. तो देखो फर्स्ट ईयर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है, कोई भी मेथड यूज कर लो ठीक है. जैसे हम लोगों ने टाइम वैल्यू मनी के क्वेश्चन में देखा था ना कि हम लोग का जो मतलब इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, फर्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम लोग का इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, नेक्स्ट बार से ही होता है. सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा. फिर यहाँ पर 1 दिसंबर 19 में टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 14,25,000 ठीक है. अब 31 दिसंबर 19 को डिप्रिशिएशन लगेगा बाई डिप्रिशिएशन. अब यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा. उस टाइम तो हम लोगों ने 15 लाख पे ही लगा दिया था क्योंकि वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था, बट इस बार तो 15 लाख पे नहीं लगाएंगे, कितने पे लगाएंगे, 14,25,000 पे. कितना लगाएंगे, 10%. क्या पूरे साल का लगेगा, हाँ पूरे साल का लगेगा क्योंकि देखो मेरा ड्रॉ तो सेम ऐसा ही रहेगा, ओनली ये मेथड चेंज हो जाएगा. तो फिर पूरा 12 मंथ्स का मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा और अमाउंट जो है मेरा बचा हुआ वैल्यू पे लगेगा. तो देखते हैं कितना होगा, 1,42,500 बाई बैलेंस सीडी. ठीक है, 1,82,500 ये होगा. और इसको चाहो तो जैसे लेजर में तुम लोग करते हो इसको फिर नेक्स्ट यहाँ ब्रॉड डाउन करके दिखा सकते हो. 1,120 में टू बैलेंस बीडी बोल के जो बचा हुआ वैल्यू है 1,282,500 ये वैल्यू, ऐसे करके हम लोग शो करके दिखा सकते हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, देखो पहले साल डिप्रिसिएशन में कोई चेंजेस नहीं, बचे हुए एसेट के वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं. नेक्स्ट ईयर देखो यहाँ कितना डिप्रिसिएशन लगा, 1,42,500 और यहाँ कितना लगा था, देखो यहाँ लगा था 1,50,000. मतलब SLM में हम लोग का कितना हुआ, ज्यादा हुआ. क्यों, क्योंकि हम लोग SLM में क्या कर रहे हैं, इसी पे लगाए जा रहे हैं तो ज्यादा तो होगा. WDV में हम लोग इस पे लगा रहे हैं तो ये तो वैल्यू कौन सा है, ये रिड्यूस वैल्यू ऑलवेज होगा क्योंकि डिप्रिसिएशन लगने के बाद माइनस होता है तो ये वैल्यू तो गिरेगा ही. तो इसका मतलब SLM मेथड में डिप्रिसिएशन जो है इक्वल रहेगा. मतलब ये इक्वल फिर क्यों नहीं दिख रहा है बोल सकते हो, ये इक्वल क्यों नहीं दिख रहा है, अगर इक्वल ही होता है तो ये 75 1,50,000 क्यों, ये 6 मंथ्स का है इक्वल ही है. लेकिन देखो ना ये इसका डबल कर दो ना, इसका डबल ही तो ये 1,50,000 इक्वल तो है, लेकिन ये तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग लगाया है हम लोगों ने तो इसीलिए. तो डिप्रिसिएशन का वैल्यू जो है इक्वल रहेगा, यहाँ पर डिप्रिसिएशन का वैल्यू जो है पहले ज्यादा फिर नेक्स्ट उसके बाद कम होगा. और एसेट के बचे हुए वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आता है, यहाँ पर कितना है एसेट का बचा हुआ वैल्यू, 1,82,500. यहाँ पर एसेट का वैल्यू कितना आएगा देखो, 1,275,000. यहाँ एसेट का वैल्यू कम दिखेगा क्यों, क्योंकि डिप्रिसिएशन अगर अमाउंट जो है बार बार एक ही अमाउंट चार्ज करेंगे, बचे हुए वैल्यू पे एक ही अमाउंट चार्ज कर रहे हैं तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, मशीन का वैल्यू जो है ज्यादा कम दिखेगा. लेकिन इस केस में उतना कम नहीं दिखेगा कंपेयर टू SLM मेथड, यहाँ पर ये ज्यादा प्रैक्टिकल है मेथड ठीक है. क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरा एसेट का वैल्यू अभी इतना है तो मुझे इस पे डिप्रिसिएशन लगाना चाहिए ना कि 15 लाख पे, इसीलिए ये मेथड को ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड माना गया है ठीक है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है WDV मेथड. अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये वाला देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि Messrs. Akash and Company purchase a... डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करबो ना,
বলেনি কোথাও, ওটা তো সহজ, ওর জন্য আমি আর করাইনি, এখানে করতে বলেনি, আচ্ছা আর করতে যদি বলে আচ্ছা করে নেব, ঠিক আছে। ওটাই তো বেশি কিছু লেখা নেই ওখানে। দেখুন, মেসার্স আকাশ এন্ড কোম্পানি পারচেজড এ মেশিন ফর 10 লাখ, এস্টিমেটেড ইউজফুল লাইফ স্ক্র্যাপ ভ্যালু 10 ইয়ার্স অ্যান্ড 1,20,000 রেসপেক্টিভলি। দ্য মেশিন ওয়াজ পুট টু ইউজ অন 1/1/2014, সো মেশিনারি অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট ইন দ্য বুকস ফর 2019 বাই ইউজিং সাম অফ ইয়ার্স ডিজিট মেথড। ঠিক হ্যায়, আচ্ছা, আব ইয়ে সাম অফ ইয়ার্স ডিজিট মেথড জো হ্যায় ये तुम लोगों ने ज्यादा नहीं किया होगा कभी, ठीक है, सम ऑफ इयर्स डिजिट। अब किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, नॉर्मली एसएलएम डब्ल्यूडी भी इसी का ज्यादा यूज होता है। सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड कैसा होता है देखो, दिखाते हैं। सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड, ये बेसिकली क्या है, ये है वेरिएशन है, ठीक है, वेरिएशन है डब्ल्यूटीवी मेथड का, ठीक है, डब्ल्यूटीवी मेथड का ही एक वेरिएशन है। यहाँ पर डिप्रिशिएशन कैसे लगता है, हम एक फॉर्मूला लिखा देंगे लेकिन हम समझा देंगे कैसे करके तुम लोग वो याद रख सकते हो, तो देखने में काफी बड़ा होगा तो ये इतना जगह चाहिए होगा। लिखो द नंबर ऑफ ईयर ब्रैकेट में इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, इंक्लूडिंग the present year bracket close of remaining life of asset, of remaining life of asset, remaining life of asset divided by total of all digits of the life of the asset bracket may in year into total amount of depreciation, into total amount of depreciation, ठीक है, देखने में काफी मेथड जो है मतलब फॉर्मूला वाइज काफी बड़ा है लेकिन इसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं तो तुम लोग को समझ में आएगा कि कैसे करके ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले लिख लो द नंबर ऑफ ईयर, फिर लिखा है मैंने ब्रैकेट में इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, फिर ब्रैकेट क्लोज ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, फिर डिवाइडेड बाय है टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट ब्रैकेट में इन ईयर्स, और यहाँ पर इनटू टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं फिर हम लोग ये वाला इलास्ट्रेशन 3 करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखो, कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। स्टेप वन में हमें क्या काउंट करना है, लिखो कि टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट, बोल सकते हो टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगा, बोल सकते हो। ठीक है, मैंने जो भी लॉजिकली पढ़ा है उसको सोच के अगर बोलोगे तो बोल सकते हो। मैंने डेप्रिसिएशन हर साल का नहीं पूछा, मैंने पूछा टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना होगा। हाँ, 90,000 होगा, 1 लाख का एसेट है, उसमें अगर 10,000 मेरा स्क्रैप बचेगा 5 साल बाद तो कितना हो गया, टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया 90,000। तो इस मेथड में ना सबसे पहले हम लोग टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो हम लोग हर साल का डेप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिखते हैं ईयर, कितना साल है, 5 साल का निकालना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, अच्छा थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि 5 साल का मेरे इसी पेज में आ जाए, ऐसे ईयर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा, नंबर डेप्रिशिएशन। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मुझे पता है कि मेरा ये मशीन हम 5 साल यूज करेंगे, जब पहला बार मैंने खरीदा, ठीक है,
पहला बार मैंने खरीदा तो वो मशीन को देख के मुझे क्या सोचना चाहिए, मशीन अब हम और कितना दिन यूज कर सकते हैं, पहले साल देख के मुझे क्या लगेगा? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सोचा ये मोबाइल हम 5 साल यूज करेंगे, तो इस मोबाइल को देख के अभी मुझे क्या फीलिंग्स आएगा, ये मोबाइल मेरा कितना दिन चलेगा? 5 साल, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर में क्या लिखोगे, नंबर में लिखो 5, मतलब ये यूज का बता रहे, ठीक है। सेकेंड ईयर जब हम लोग उस एसेट को देखेंगे, जो एसेट मेरे हिसाब से 5 साल मुझे यूज करना है, अब उसका लाइफ कितना है? 4 साल। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में जाके देखेंगे तो क्या लगेगा? 3, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ना 1, 2, 3 इसके साथ कंफ्यूजन हो जाएगा, इसका ऐसे कर ले 1, 2, मतलब नहीं तो तुम लोग को लगेगा कि ये क्या हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे लग सकता है ना कि ये भी 4, 5 बाद में कभी देखोगे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब सेकेंड ईयर आएगा तो देख के क्या लगेगा, और कितना दिन इसको यूज कर सकते हैं? 2 साल। और जब फिफ्थ ईयर आ जाएगा तो दिखेगा कि और कितना दिन बाकी है? 1 ईयर, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेथड का नाम क्या है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है। तो ये जो ईयर्स है इसको मुझे करना है सम, करो सम, करो कितना होगा, 5 + 4 = 9, 9 + 5 कितना रहा, 15। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, देखो हम लॉजिकली बताते हैं, फिर फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा। टोटल ये जो डेप्रिसिएशन है ये कितने ईयर का है? 5 साल का। और ये देखो, तो हम लोग बोल सकते हैं 90,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा 5 साल का है, तो 5 साल मतलब ये टोटल, ठीक है। देखो 5 साल में मेरा सम ऑफ इयर्स डिजिट कितना निकल के आया, 15, ठीक है। तो ये 90,000 कितने टाइम पीरियड के लिए है, 15, तो डिवाइडेड बाय 15 करने से मुझे ये पता चलेगा पर सम ऑफ इयर्स डिजिट के लिए कितना है, और यहाँ पर नंबर कितना है, 5, तो मुझे यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, 5, ठीक है। तो कितना कैलकुलेट होके आएगा, 30,000, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला कि 90,000 क्योंकि मेरा टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट है और मुझे सम ऑफ इयर्स डिजिट यूज करना है, तो पूरे यूजफुल लाइफ का सम ऑफ इयर्स डिजिट 15 है, यानी ये 90,000 का डेप्रिसिएशन इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ इयर्स डिजिट वैल्यू 15। तो 90,000 जो है, 15 इक्विवेलेंट तो मेरा 90,000 हो गया, तो 1 इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 15, और मुझे यहां पर क्या निकालना, 5, सम ऑफ इयर्स डिजिट 5 का वैल्यू, तो मेरा यहाँ पर डिप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा 30,000, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट वाला फिर कैसे निकालेंगे, 90,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू कितना कर देंगे, 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो कितना आता है, 24,000, और उसके बाद वाला 18,000, फिर उसके बाद 3, 3 सब जगह पे लगा दिया, कल ये 2 है, ये 1 है, लास्ट वाला 6,000 सर, देखो 15, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया नॉर्मल जो है कंसेप्ट उसके हिसाब से, लेकिन मैं जो मेथड क्या बोला है, डेप्रिसिएशन पर है ना, मुझे कैसे निकालना है, फॉर्मूला क्या बोला है, बोला है द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर मुझे लेना है, और डिवाइडेड बाय, देखो नीचे क्या लिखना है, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट इन ईयर, मतलब मेरे एसेट का जितना लाइफ होगा उसमें जितने भी डिजिट्स होंगे, तो 5 ईयर्स मतलब 5, 4, 3, 2, 1, वो कौन से कंसेप्ट से, इस कंसेप्ट से कि जब खरीदेंगे तो उसका लाइफ मुझे कितना दिखेगा, पहले मुझे उसका लाइफ दिखेगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर मुझे दिखेगा 1, 2, 3, 4, फिर मुझे दिखेगा 1, 2, 3, फिर मुझे दिखेगा 1, 2, फिर मुझे दिखेगा 1, ठीक है। तो ये जो है ना टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स, डिजिट का मतलब वही होगा, तो टोटल ऑफ ऑल डिजिट करने से अगर मेरा क्वेश्चन यही है, हम अब इस फॉर्मूले से समझाएंगे, तो नीचे कितना आएगा,
15 टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 90,000, ठीक है। अब ये ऊपर वाला समझना है, तो देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा। फॉर्मूले से डिप्रिसिएशन पर एनम इक्वल टू, यहां पर तो मेरा आ रहा है 90,000, ठीक है, यहां पर मेरा कितना आ जाएगा 15। तो देखो मेरा, मैंने जो सीखा है उसमें भी तो वैसे ही आया 90,000 डिवाइडेड बाय 15। अब इनटू कितने से होगा, बोला है उस जिस साल का हम लोग डिप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं उस साल का क्या करना है, द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, एसेट का जितना लाइफ जो है बच गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर। जैसे कि देखो हम अगर यहाँ पर अगर ऐसा लिखते हैं, सपोज 5 + 4 + 3, ठीक है, एक बार इसका कैलकुलेशन करो, देखो कितना आता है। ये हो गया 4 और 3 = 7 = 5 = 12, और यहाँ पर इंटू 90,000 कितना आएगा, 12 / 15 × 90,000 72,000, ठीक है। तो 72,000 जो आया, ये देखो डेप्रिसिएशन हो गया, रुको, ये डेप्रिसिएशन पर एनम नहीं आया, इसको हम लिखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फर्स्ट थ्री इयर्स, ठीक है, फर्स्ट थ्री ईयर में टोटल इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अब ये हम समझाएंगे लॉजिकली, पहले तुम लोग देखो फर्स्ट थ्री ईयर्स में 72,000 का डेप्रिसिएशन आया था कि नहीं, इस मेथड से चेक करो, 30, 24 और 18 कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 30 30 60 60 और 8 68 68 + 4 कितना होगा, 72,000, ठीक है। तो पहले तीन साल का डेप्रिसिएशन कितना आया, 72,000, फॉर्मूले से भी मैंने पहले तीन साल का डेप्रिसिएशन दिखा दिया 72,000, तीन साल का दिखाया, ठीक है। तो यहां पर क्या कैलकुलेट करने बोला है, बोला है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले तीन साल का करते हैं तो इंक्लूडिंग देखो प्रेजेंट ईयर, तो मुझे अगर बोला है कि पहले तीन साल का निकालने के लिए, तो मुझे यहाँ पर ऊपर क्या क्या लिखना पड़ेगा, पहले तीन साल का मतलब पहले साल मुझे एसेट का लाइफ कितना दिखेगा, 5, फिर नेक्स्ट कितना दिखेगा, 4, फिर उसके बाद कितना दिखेगा, 3, ठीक है। तो फर्स्ट थ्री इयर्स बोला तो 5, 4, 3, अगर मुझे फर्स्ट फोर इयर्स बोलेगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये सोचना है कि पहले चार साल में मुझे एसेट का लाइफ क्या दिखेगा। अगर टोटल 5 है तो पहले साल तो 5 दिखेगा, ठीक है, फिर उसके बाद 4, फिर 3, ठीक है, इस तरीके से फिर 2, ठीक है, ऐसे होगा। तो मुझे इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सम ऑफ इयर्स डिजिट में तीन बच्चों ने হ্যাঁ কোয়েশ্চেনে যদি 3 বছরের ডেপ্রিসিয়েশন বের করতে বলে তাহলে আমরা এইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি। और अगर मान लो मुझे बोला डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, तब कैसे लिखोगे, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर अगर होगा तो उसमें भी तो मेरा टोटल लाइफ ऑफ द एसेट कितना रहेगा, सम ऑफ इयर्स डिजिट कितना हो जाएगा, 15, अगर मेरा 5 ही हुआ टोटल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 90, इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर मुझे बोले कि फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकालो, मैंने तो यहाँ पर फर्स्ट थ्री इयर्स का निकाला, अगर मुझे बोले फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकालो तो फर्स्ट ईयर का लाइफ कितना दिखेगा मुझे, 5। तो देखो यही तो कंसेप्ट हो रहा है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअली ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर हमें एक साथ निकालना हो तो फिर हम लोग ऐसे टोटल करके भी निकाल सकते हैं, टोटल थ्री इयर्स का, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूले में भी हम लोग इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं, तो जैसे बोलेगा उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार करके देखे क्या बोल रहा है, इलास्ट्रेशन 3 देखो क्या बोला है, कि मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेस्ड ए मशीन फॉर 10 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो गया 10 इयर्स, जैसे सम ऑफ इयर्स डिजिट मिले बोल रहा है, तो 10 इयर्स को मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। और यहाँ पर बोला है एस्टिमेटेड लाइफ और स्क्रैप वैल्यू बोल दिया है 1,20,000, तो स्क्रैप वैल्यू दे दिया है, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर हम लोग उसपे जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब देखो कितने दिन का चार्ज करने बोला है, बोला एक मशीन अकाउंट बनाओ, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ फॉर 2019 के लिए यूजिंग सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड। लेकिन मशीन कब परचेज हुआ है, 1 January 2014, हमें अकाउंट कब का बनाने बोला है, 19 का। तो देखो कैसे बनेगा, अकाउंट हमें सिर्फ 19 का ही बनाना है, लेकिन मुझे कैलकुलेट तो पूरा ही करना पड़ेगा। देखो हम ये ड्रॉ के थ्रू से ही कैलकुलेट हो जाएगा, देखो
परचेज का डेट बताया है 1 अप्रैल 14, परचेज हुआ है एसेट जिसका वैल्यू है 10 लाख और स्क्रैप है 1 लाख पे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कब लगेगा, इनका ईयर एंड कब होता है? देखो, बोला है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए 2019 सिर्फ बोला है, तो ये पढ़ के क्या लगता है इनका ईयर कैसे चलता है, जैन दिसंबर वाला या अप्रैल मार्च वाला? जैन दिसंबर, क्योंकि अगर 1920 बोलता या 1819 बोलता तो हमें पता चलता कि वो अप्रैल मार्च वाला है, मतलब ये दिसंबर में खत्म होता है इनका ईयर। तो पहला डिप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 दिसंबर 14 को। उसके बाद कब लगेगा, जब तक 19 नहीं आता है लिखते जाते हैं, इसके बाद लगेगा 15 को, इसके बाद लगेगा 16, इसके बाद लगेगा 17, फिर लगेगा 18 और फिर लगेगा 19, ठीक है। अब इसको हम ऐसे क्लोज करके दिखाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। हम लोग को कब का लेजर बनाने बोला है, हम लोग को देखो इस पीरियड का लेजर बनाने बोला है। हम इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। देखो, हमें ये वाला अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, ये अकाउंट इस टाइम पीरियड का अकाउंट सिर्फ प्रिपेयर करने बोला है। लेकिन अगर मुझे इस टाइम पीरियड का अकाउंट प्रिपेयर करना है तो मुझे तो वैल्यूज भी देखना पड़ेगा, कब कैसे क्या चेंज हुआ। तो देखो, यहाँ पर जब हम अपने एसेट को यहाँ से देख रहे थे ना, तब मुझे लग रहा था मेरा एसेट कितना दिन चलेगा, 10 साल। जब मैंने यहाँ से एसेट को देखना स्टार्ट किया, ये साल जब बीत गया मतलब खत्म हो गया, और जब मैंने एसेट को यहाँ से देखना स्टार्ट किया, ठीक है, तो फिर मेरे एसेट का वैल्यू कितना दिख रहा होगा, 9, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना दिख रहा होगा, 8। फिर यहाँ पर कितना दिख रहा है, 7। फिर यहाँ पर कितना दिखेगा, 6। फिर यहाँ पर कितना दिखेगा, 5, ठीक है, ऐसे दिखेगा। अच्छा, अब हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। चलो, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने बोला फॉर 2019 और डेप्रिसिएशन भी बोला है, ठीक है। पीछे एक डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बना लेते हैं। मैम एक तो आगे टेस्ट है, एक बार देखा मेरे स्क्रीनशॉट में वो, और डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। अच्छा, अगर मुझे 19 का प्रिपेयर करना है तो मेरे यहाँ पर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो कब का होगा, बोल सकते हैं? हाँ, मतलब मुझे यहाँ का एसेट का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। यहाँ का एसेट का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करते हुए मुझे आना पड़ेगा, ठीक है, तभी मुझे मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे, मतलब मुझे टोटल कितने दिन का डेप्रिसिएशन निकाल लेना पड़ेगा, इतने दिन का, जैसे मैंने यहाँ पर टोटल कितने दिन का निकाला था, 72,000 जितने दिन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इतने टाइम ड्यूरेशन का मुझे टोटल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, फिर उसको हम कितने से माइनस कर देंगे ये एसेट के वैल्यू से, ठीक है, तो मुझे मिलेगा। तो मेरा वर्किंग नोट कैसे बनना चाहिए, मेरा फर्स्ट वर्किंग नोट ये बनेगा कि मुझे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा अप टू द ईयर 31 दिसंबर 18 तक, है ना, अप टू द ईयर 31 दिसंबर 18 तक मुझे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो वर्किंग नोट बना, पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टोटल ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर, देखो हम पूरा निकाल लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 14 से लेके 18 तक, ठीक है, 14 से लेके 18 तक का निकालेंगे। अच्छा, कैसे निकालेंगे, मुझे क्या क्या चाहिए होता है, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने वहां पर निकाला था 90,000, हम लोग को चाहिए क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ इयर्स डिजिट। ये तो आसान है, याद रखना, ये तो हम लोग याद कर ही लेंगे। तो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, 10 लाख माइनस 1 लाख 20, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 लाख माइनस 1 लाख 20 और इनटू, और नीचे आ जाएगा सम ऑफ ईयर्स डिजिट, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस
फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ऊपर मेरा कौन कौन सा ईयर आएगा बोलो, कौन कौन सा आएगा ये देख देख के तो लिख सकते हैं। कितना तक लिखना पड़ेगा? अप टू सिक्स तक, ठीक है, अप टू सिक्स तक लिखेंगे, क्योंकि मुझे यहां से यहां तक का चाहिए। तो टेन नाइन एट सेवन सिक्स लिखो, टेन नाइन एट सेवन सिक्स, तो मुझे टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा जितने दिन का मुझे चाहिए अप टू 18 तक का। तो ये माइनस करने से कितना आता है? 8,80,000 इनटू, ये कितना हो गया? 10,987, अच्छा ये 40, अच्छा सिक्स तक अगर 40 है, उसके बाद है तीन, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन, टेन प्लस फाइव 15, है ना, तो डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है, नहीं 15 और ये 40 मतलब 55 हो रहा है, ठीक है 55 हो रहा है, देख लो एक बार, 8,80,000 डिवाइडेड बाय 55 इनटू 40, 6,40,000, ठीक है। तो मुझे उतने दिन का डेप्रिसिएशन टोटल, ये मुझे टोटल मिल गया, टोटल डेप्रिसिएशन मिल गया फ्रॉम द पीरियड 14 से लेके 18 तक, ठीक है। तो अब मुझे अगर 19 का अकाउंट ओपन करने बोल रहा है, तो 19 के स्टार्टिंग में मेरे एसेट का वैल्यू कितना दिख रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू टी वी वैल्यू ऑफ एसेट। डब्ल्यू टी वी वैल्यू ऑफ एसेट डेट कौन सा है? एज ऑन 1/1/2019 कितना हो जाएगा? एसेट कितने का था? 10 लाख का था। उसपे अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 6,40,000 का लग चुका है टोटल डेप्रिसिएशन। तो एसेट का बचा हुआ वैल्यू कितना होगा? 3,60,000 होगा। अब हम लोग अपना अकाउंट को यहाँ पर जो है पोस्ट कर सकते हैं अकाउंट में, कि मेरे एसेट का वैल्यू अभी कितना है, 3,60,000 है। मुझे तो बोला है सिर्फ 19 का अकाउंट बनाना, इसीलिए मुझको ये अलग से करना पड़ा। अगर ये मुझे पूरा अकाउंट दिखाने बोलता तो ये बहुत बड़ा होता, एक एक करके सारा अकाउंट हमें दिखाना पड़ता। अब यहाँ पोस्ट करते हैं, 1/1/19 में टू बैलेंस बीटी लिखना है, गलती से भी ना टू बैंक ऐसे मत लिख दो, क्योंकि वो आदत होता है टू बैंक टू कैश लिख देते हैं हम लोग एसेट है बोल के। हम लोग का ये बैलेंस है, टू बैलेंस बीटी, वर्किंग नोट नंबर टू से मिला, ठीक है। इसको वर्किंग नोट वन कर दो और इसको वर्किंग नोट नंबर टू कर दो, ठीक है। तो वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा कहाँ से मिला है हम लोग को, यहाँ पर हो जाएगा 3,60,000। अब इस साल 31 December 2000 कितना है ये वाला 19, ठीक है, 19 में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे, फिर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, बस खत्म, यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी बोल के लिख देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, चलो बोलो कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर थ्री बनाते। देखो फिक्स तो रहेगा कौन सा चीज, 8,80,000 और उसके नीचे 55, ये तो मेरा फिक्स रहेगा ना, 8,80,000 और उसके नीचे 55। ऊपर मेरा कितना अमाउंट जाएगा बोलो, मुझे सिंगल ईयर का निकालना है, तो ऊपर मेरा कितना अमाउंट जाएगा, सिर्फ 5, ठीक है। जब मुझे यहां से यहां निकालना था तो जितना अमाउंट दिख रहा था सारा लिख दिया, मुझे यहां से यहां का निकालना है तो 5 ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। तो अगर ड्रॉ कर लोगे तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट ऐसे ही आसान हो जाएगा। तो 11 हो गया, 11 और ये डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, 80,000, ठीक है 80,000। ये हो गया डेप्रिसिएशन पर एनम, मतलब वो फॉर्मूले से टोटल डेप्रिसिएशन भी निकलेगा, पर एनम भी निकलेगा। हम लोग कितना लिख रहे हैं ऊपर, कितने टाइम का निकाल रहे हैं, उस पे डिपेंड कर रहा है। तो वन ईयर का डेप्रिसिएशन 80,000 मिल गया। अब इसको यहाँ लिखना है और बैलेंस करके देखना है कि बचे हुए एसेट का वैल्यू कितना होगा, कितना हो रहा है, देख 2,80,000 क्लोज कर देंगे। और अगर ब्रॉड डाउन करना है तो 1/1/20 लिख के कर सकते हैं, टू बैलेंस बीडी 2,80,000, ठीक है। अच्छा, और डेप्रिसिएशन अकाउंट को कैसे लिखेंगे, ये डेप्रिसिएशन दिखा देंगे 80,000, फिर उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, ये आसान है, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। ये देखो 31 December 2019 टू मशीन 80,000 और यहाँ पर हो जाएगा 31 December 2019 बाई पीएल 80,000 क्लोज।
तो अब मुझे नहीं लगता है कि सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के लिए हमें काफी ज्यादा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो हम लोगों को समझ में आ गया करना क्या है, अगर हम लोग ड्रॉ करके उस पे सम ईयर्स डिजिट को लिख लेते हैं कि कौन से ईयर से मुझे क्या दिख रहा है, और फिर चेक करेंगे कि कितने दिन का मुझे डिप्रिसिएशन निकालना है, तो ऊपर उतना अमाउंट दिखना है और टोटल डिप्रिसिएशन और उसके साथ उसका इक्विवेलेंट सम ऑफ ईयर्स डिजिट, बस हो गया। और ये फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है, ये प्रैक्टिस करते करते वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और एक नया मेथड है, ये क्वेश्चन देखो है मशीन आवर रेट मेथड, ठीक है। ये मेथड कैसे होता है देखो, ये भी आसान है, वेरिएशन ऑफ WDV है, यही लास्ट करेंगे। देखो मशीन आवर मेथड, मैम एक बार एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बताएगा बेन और मशीन रेट है। डेप्रिसिएशन तो नीचे ही देख सकता हूँ, तो किसी देख रही हूँ আর ম্যাম একবার মেশিনারি অ্যাকাউন্টটা এটার ওপরে যেটা আছে ম্যাম এটা কি ব্রড ফরওয়ার্ড হয়েছে টু ব্যালেন্স বিডি যেটা ওটা মানে নেক্সট ইয়ারে মানে ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়েছে? আচ্ছা अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन 4 जो दिया ना उसमें हमें कोई अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इसीलिए करवा दे रहे, 5 मिनट में हो जाएगा। देखो यहाँ पर बोला है ए मशीन वाज परचेस्ड फॉर 30 लाख हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24,000 आवर्स, ठीक है। मशीन जो है ये टोटल इतने साल इतने घंटे चल सकता है, अभी तक हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कैसे कैलकुलेट कर रहे थे ईयर्स में, अभी ये कैसे बता रहा है आवर्स में मशीन का, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू कितना बता दिया है 2 लाख। एंटीसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर इज एज फॉलोज, मतलब मशीन पहले 3 साल 3,000 घंटा पर ईयर करके सर्विस दे सकता है, फिर 4, 5, 6 नेक्स्ट 3 इयर्स 2,600 पर ईयर्स करके देगा, मतलब उसका एज हो रहा है मशीन का, तो देखो उसका सप्लाई भी कम होते जा रहा है, और 7 to 10 में 1,800 आवर्स पर ईयर करके चलेगा, ठीक है। हम लोग को बोला है एनुअल डिप्रिसिएशन निकालो अंडर मशीन आवर रेट मेथड से, तो क्या इसमें कुछ नया मेथड हमें सीखना पड़ेगा? नहीं, देखो कुछ नया मेथड नहीं सीखना पड़ेगा, ये बेसिकली बोल सकते हो कि मशीन आवर मेथड जो है ये हम लोग का वेरिएशन है WDV का ही। तो देखो कैसे होगा मशीन आवर मेथड, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो मुझे कुछ वर्किंग नोट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, मेन मुझे कैलकुलेशन करके ही बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे ईयर कर लो और यहाँ पर लिखो एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो पहले 1 to 3 इयर्स का पैटर्न है, फिर 4 to 6, फिर उसके बाद 7 to 10, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरा टोटल डिप्रिसिएशन फिर कितना हो रहा है, अगर स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है और मेरा एसेट का वैल्यू 30 लाख है, तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा? माइनस करने से जितना होगा 28 लाख, मतलब ऐसे लिखेंगे 30 लाख माइनस 2 लाख, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा टोटल डेप्रिसिएशन कितना है। अब मुझे ये बोलो ये टोटल डेप्रिसिएशन कितने आवर्स के लिए दिया है, जैसे हम लोग लाइफ देख रहे थे, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन कितने आवर्स के लिए होगा? 24,000 आवर्स, क्योंकि पूरे एसेट का लाइफ ही 24,000 आवर है, और अगर हम लोग 24,000 आवर्स यूज कर लेते हैं उसके बाद सेल करने जाते हैं, तो 2 लाख फिर भी मिलेगा, यानी हम लोग एसेट यूज कर रहे हैं इतने माइनस करके, ठीक है। तो ये जो एसेट का वैल्यू है ये अगर 24,000 आवर्स के लिए है, तो अगर 24,000 आवर्स से डिवाइड कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा पर आवर का डिप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं? अगर हम ये डिवाइड कर लेते हैं, देखो मेरा ये कितना आया 30 लाख, ठीक है, माइनस मैंने कर दिया 2 लाख। देखो हम फॉर्मूला ज्यादा नहीं बोल रहे, समझ के करने से फॉर्मूला में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। 28 लाख का डिप्रिसिएशन फॉर द होल लाइफ ऑफ द एसेट एंड लाइफ डिस्क्राइब इन आवर्स नॉट इन ईयर्स, ठीक है। तो फिर ये खर्चा अगर मेरा 24,000 घंटे में है, तो एक एक घंटे में कितना खर्चा है डिवाइडेड बाई 24,000, ठीक है, जितना भी आया। अब मुझे फर्स्ट 3 इयर्स का निकालना है, तो फर्स्ट 3 इयर्स में मशीन कितने आवर्स करके चलेगा बोल रहा है 3,000, तो मुझे यहाँ पर कितना करना पड़ेगा इनटू 3,000 आवर्स, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर भी 3,000, सेकंड ईयर भी 3,000, थर्ड ईयर भी 3,000, तो इनटू 3,000 करने से ही मुझे पता चल जाएगा कि अगर 3,000 घंटा करके मशीन चलेगा तो मेरा डिप्रिसिएशन का खर्चा कितना निकल के आएगा 3,50,000 पर एनम, पहले 3 साल 3,50,000 करके चलेगा। सेम कंसेप्ट मैम 3,000 आवर्स तक की टोटल लाइफ टा बोलते हैं, टोटल लाइफ तो 24,000 घंटा बोले से, तब
टोटल लाइक पे तो टोटल वर्किंग आवर्स 24,000 मैम তাহলে 3000 আওয়ার্সটা কি 3000 আওয়ার্সটা মানে ওই 3 বছরে পার ডে কত করে চলবে মানে পার ইয়ার? হ্যাঁ, পার ইয়ার কত করে সার্ভিস দেবে? আচ্ছা, তো আগে 24,000 ঘন্টা চলনে সে ইতনা ডেপ্রিসিয়েশন হ্যাঁ, তো 3000 ঘন্টা চলনে সে কিতনা ডেপ্রিসিয়েশন হোগা? ঠিক আছে, সেম তরিকে সে আপ ইয়ে 4 to 6 কা কেসে করোগে? সেম কনসেপ্ট মে করনা হ্যায়, 30 লাখ মাইনাস 2 লাখ ডিভাইডেড বাই 24,000 আওয়ার্স ইন টু কিতনা হো জায়গা? 2,600 আওয়ার্স জিতনা হোগা ওই ক্যালকুলেট করনা পড়েগা। দেখো কিতনা আ রা হ্যায়, আর 7 to 10, 30 লাখ মাইনাস 2 লাখ divided by 24,000 hours into 1,800 hours. देखो कितना आता है। कुछ पॉइंट में आ रहा है 3,03,333 रुपीज, 3,03,333 पर एनम into 1,800 rupees 2,10,000 per annum. Simple concept है। अगर तुम लोग बचपन का unitary method समझते हो कि अगर कोई काम करने में इतना घंटा लगता है तो इतने घंटे में कितना होगा, वैसा ही है। देखो यहाँ पर ये जो भी एक्सपेंस होता है ये मैंने पूरे, ये क्या दिया हुआ, ये ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ, ये मेरा स्क्रैप दिया हुआ, ये मेरा टोटल लाइफ जो है यूजफुल लाइफ, मुझे इसको कैसे दे रखा है, आवर्स में दे रखा है। तो इतना ओरिजिनल कॉस्ट से स्क्रैप माइनस करने से मिलता है टोटल डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो टोटल डेप्रिशिएशन टोटल लाइफ में होगा, तो अगर इतना डेप्रिशिएशन होता है 24,000 आवर्स चलने से, तो अगर पर ईयर 3,000 आवर्स करके चलेगा तो डेप्रिशिएशन कितना होगा? तो ये डेप्रिशिएशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों साल ही 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000, फिर 4, 5, 6 ये तीनों साल ही 3,03,000, 3,03,333 करके नेक्स्ट 3 ईयर्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000 यही हुआ। ठीक है, इसमें हाँ अगर लेजर करेंगे तो पहले साल 3,50,000, फिर नेक्स्ट ईयर 3,50,000, फिर नेक्स्ट ईयर 3,50,000, फिर उसके बाद 3,03,333 करके 3 बार, फिर 2,10,000 करके 3 बार। ठीक है, फॉर्मूला इसका भी होता है, चाहे तो इसका भी सम ऑफ ईयर डिजिट्स के तरह हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन जब मुझे नॉर्मली चीज समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला में क्यों जाए? ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा वही होगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये अगर देखोगे तो ये तो मेरा SLM जैसा ही तो हुआ ना इसका, लेकिन डेप्रिसिएशन देखो चेंज होते जा रहा है, इसीलिए ये सिमिलर टू WDV है, क्योंकि हम लोग पर ईयर के यूज के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जाके नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट कर दे रहे हैं। तो WDV मेथड तो वही होता है, हम लोग टोटल डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, टोटल डेप्रिसिएशन को हम लोग पर एनम निकाल रहे हैं, फिर जिस बार जितना यूज करें उस बेसिस पे कर रहे हैं। तो यहाँ आवर्स है, इसीलिए मशीन आवर मेथड है। ठीक है, और इसमें नया कुछ नहीं, लेकिन सम ऑफ ईयर्स डिजिट में मैंने फॉर्मूला इसीलिए लिखा है क्योंकि इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, इसमें ईयर्स को एड करना है, लेकिन अगर ड्रॉ करके करोगे तो आसानी से। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम।